एंड दीज आर आल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर कॉल डांस ट्रिट्स और हमने ये भी डिस्कस किया है कि हर कैरेक्टर के लिए या हर कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाने वाला कौन होता है दट इज अ फैक्टर तो ईच फैक्ट ईच कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाई अ फैक्टर फैक्टर इज आल्सो डिटर और फैक्टर को हम आज जीन कहते हैं, ओके? फैक्टर अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं इसी वजह से कैरेक्टर की भी फॉर्म अलग अलग हो सकतेनेट फॉर्म्स ऑफ फैक्टर्स हैविंग सेम जीन लोसाई दे आर कॉल्ड एज तो फैक्टर को ही हमने कहा जीन और हमने कहा कि जीन जो आल्टरनेटिव फॉर्म में है एक ही जीन लोसाय पर होते हैं

जीनोटाइप इज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्स अब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन जैसे कि दो आइडेंटिकल का कॉम्बिनेशन हो तो होमोजाइगस कहा जाएगा दो अलग अलग प्रकार के आलिल्स का कॉम्बिनेशन होगा तो ये येगस कहलाएगा होमोजाइगस में भी होमोजाइगस रिसेसिव आलिल का होमोजाइगस हो सकता है और डोमिनेंट आलिल का होमोजाइगस हो सकता है जीनोटाइप डिसाइड द रेंज ऑफ फिनोटाइप पोटेंशियल ऑफ फिनोटाइप क्या फिनोटाइप आएगी जो पोटेंशियल डिसाइड करने का काम जीनोटाइप बट जीनोटाइप से फिनोटाइप बने या न बने ये डिपेंड होता है जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट पर व्हाट इज फिनोटाइप फिनोटाइप इज नथिंग बट एन आउटपुट ऑफ जीनोटाइप मैनिफेस्टेशन ऑफ जीनोटाइप इज कॉल्ड एज फिनोटाइप फिनोटाइप किस लेवल पर ऑब्जर्व कर रहे हैं इस हिसाब से हमने अलग-अलग कैटेगरी में रख दिया लास्टली वी टॉकड अबाउट हाइब्रिड हाइब्रिड इज द ऑर्गेनिज्म इज ऑप्टेन बाई क्रॉसिंग जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स आइदर फॉर वन कैरेक्टर और फॉर ऑल कैरेक्टर्स हाइब्रिड का मतलब होता है कोई ऑफ स्प्रिंग है जो कि जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट का क्रॉस कर कर ऑप्टेन की गई दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड हाइब्रिड ऑप्टेन करने के लिए एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए पेरेंट्स होमोजाइगस होने चाहिए होमोजाइगस बट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के लिए होमोजाइगस इन पैरेंट्स का क्रॉस कर हम हाइब्रिड ऑप्टेंट करते हैं हाइब्रिड भी सिंगल कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड हो सकता है मोनोहाइब्रिड दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड हो सकता है डाई हाइब्रिड तीन कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड हो सकता है ट्राई हाइब्रिड और इसके साथ साथ ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जेनेटिक्स समझने के लिए इसके साथ साथ हमने मंडल के पहले कैरेक्टर को किस प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन में भेजा जाता है इससे रिलेटेड कुछ थेरीज दी गई थी जैसे हमने डिस्कस किया पैनजेनेसिस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या होता है सभी तो कंसेप्ट के बारे में ऑलरेडी हम नाउ मूविंग टू एक्चुअल द वर्क ऑफ मेंडल मेंडल ने जेनेटिक्स को क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनका फर्स्ट क्रॉस हम डिस्कस करेंगे जो सबका बेसिक है दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस वट वॉज द वर्क डन बाय द मेंडल Basic principles of genetics, laws of inheritance, laws of genetics, these were given by Gregor John Mendel in 1865. And he published the laws of inheritance, the laws of uh, uh, genetics, principles of genetics by the name. एक्सपरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रेडाइजेशन इस नाम से उन्होंने पेपर पब्लिश किया था एक लोकल जर्नल में नाम के एक सिटी थी जिसको आज हम जेक रिपब्लिक कहते हैं सिटी में एक लोकल जर्नल था उसमें सॉरी में उन्होंने एक एक्सपेरमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम का पेपर पब्लिश किया उसको पब्लिश करने से पहले उन्होंने इस पेपर को रूल सोसाइटी ऑफ लाइफ साइंसेस इसके आगे उसको प्रेजेंट भी किया था वट ऑज द वर्क डन बाय द जी जे मंडल इसके थोड़ी सी बायोजियोग्राफी डिस्कस करेंगे बायो ग्राफी डिस्कस करेंगे इनकी मेनली बॉर्न इन 1822 इन द जेक रिपब्लिक इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट इन दॉटमी और देशर जैसे डारविन की बात थी उसी प्रकार की चीज साथ थी और इन्होंने एटीन फिफ्टी सिक्स में एक प्लांट पर काम करना स्टार्ट किया जिसका नाम है पाइसम जिसको हम गार्डन टी प्लांट कहते हैं इनके पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की चीजें की थी लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सके थे क्योंकि जो भी क्रॉसेस वो करते थे इनके पहले सेम प्रकार के क्रॉसेस बहुत सारे लोगों ने किए थे हाइब्रिडाइजेशन किया था लेकिन वो किसी प्रकार का कंक्लूजन डिराइव नहीं कर पाए क्योंकि उनको स्टैटिस्टिक का कोई सपोर्ट नहीं था मैथमेटिक्स का कुछ सपोर्ट नहीं था मेंडल के पास यूनिक चीज थी इनके पास एक कैरेक्टर था इनके पास एक अडाप्टेशन था कि उनको मैथमेटिक्स अच्छा आता था वो प्रोबेबिलिटी कनेक्ट कर सकते थे जेनेटिक्स के साथ जो बाकी लोग नहीं कर सकते जमाने में सक्सेसफुल आउटपुट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स गिवन बाई मेंडल he worked on the poison for time and he started his work in 1856 and completed in 1865 so all known 9 hybridization experiment karte and ultimately he published the data by the name of the paper that is experiment in the plant hybridization but this data was remained unnoticed Till 1900 क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में ज्यादातर बायोलॉजिस्ट डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को वेरीफाई करने में लग चुके थे किसी का ध्यान ही नहीं गया इन जेनेटिकल प्रिंसिपल्स के 1884 में मेंडल की डेथ हो गई इसका मतलब डेथ के बाद अराउंडीन साल के बाद तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली सेम एक्सपेरिमेंट्स आउट किए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्लांट्स पर इन 1900 हंड्रेड थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट, साइंटिस्टोर कार्ल फेशर मार्क, इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली इस प्रकार की चीजें रिपीटेड की और रिपीटेडली कैरी आउट की एंड अगेन दे केम टू द सेम कंक्लूजन इवन दो ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स अलग थे लेकिन रिजल्ट सेम मिल रहे थे जिस इस प्रकार के रिजल्ट इसको मिल रहे थे मेंडल को और उन्होंने और तब तक एक प्रॉब्लम भी आगे आ चुका था जैसे डार्विन के प्रिंसिपल का बेसिक ड्रॉबैक हमने पढ़ा था कि हाउ वेरिएशंस आर क्रिएटेड हाउ कैरेक्टर्स आर कंट्रीब्यूटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन दीज वर द्रॉबैक्स ऑफ डार्विनियन प्रिंसिपल्स अब इन प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करने के लिए 1900 में इस थे को वेरीफाई किया गया और इस प्रिंसिपल्स को री डिस्कवर किया गया बाय थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट नाउ द पीपल एक्सेप्टेड दैट दीज आर देशिक प्रिंसिनेटिक्स और इन जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को डारविन के नेचुरल सिलेक्शन थेरी के साथ अटैच कर कर कंबाइंडली न्यू डार्विनिज्म थेरी बनाई गई जो तो हमने ऑलरेडी के अंदर पढ़ चुके हैं लेक्टिंग दिस प्लांट में इस प्लांट को सिलेक्ट किया गया था और कुछ चीजों के बारे में उनको पता भी नहीं था भी। पाइसम सेटाइम इज बाय सेक्शुअल प्लांट पायसम सेटाइम इज द्लाई बाय सेक्शुअल प्लांट इसका मतलब एक ही प्लांट है जिसमें मेल फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर्स होते हैं दोनों प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं देर इज एंडोशियम

सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब उस प्लांट के पोलन ग्रेन को उसी प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया जाता है फॉर ऑप्टेनिंग द नेक्स्ट जनरेशन ओके सो मेल गैमेट भी वही बना रहा है फीमेल गैमेट भी वही बना रहा है सेल्फ पॉलिनेशन उन्हीं प्लांट का हो सकता है जिसके पास सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ना हो तो पाइसम से टाइम में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं थी हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे वट इज दिस सेल्फ इनकोम्पेटिबिलिटी सेल्फ इनकोम्पेटिबिलिटी का मतलब है खुद के गैमेट से मीन्स खुद के पोलन ग्रेन से खुद की ओहम का फर्टिलाइजेशन ना होना बहुत सारे प्लांट्स ऐसे करते हैं कि मेरा खुद का पोलन ग्रेन या खुद का मेल गैमेट खुद की फीमेल गैमेट के साथ क्या नहीं होना चाहिए फर्टिलाइज नहीं होना चाहिए इसके लिए उनके पास कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती है उसको हम सेल्फ इनकोपेटिबिलिटी कहेंगे सेल्फ इनकोम्पेटिबिलिटी का पर्पज़ क्या होता है क्या मतलब है कि खुद का मेल गैमेट खुद के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो रहा है तो वेरिएशन तो नहीं आएंगे ना नेक्स्ट जनरेशन में इट इज लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए इसलिए बहुत सारे नेचुरली प्लांट में सेल्फ इनकोम्पेटेबिलिटी डेवलप हो चुकी है हम आगे डिस्कस करेंगे स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकोम्पेटेबिलिटी हो सकती है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकोम्पेटेबिलिटी हो सकती है लेकिन लकीली फाइसन सेटाइम प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था और सेल्फ इनकोपेटेबिलिटी नहीं थी अब इसका बेनिफिट क्या हुआ सेल्फ इनकोपेडिबिलिटी ना होने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था और इसकी वजह से ही किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस जिसको हम प्यूअर लाइन पैरेंट कहते हैं उसको ऑप्टेन करना बहुत इजी था नेचर में कैपिटल टी कैपिटल टी वाला प्लांट कैपिटल टी का मींस कैपिटल टी वाला प्लांट खुद के साथ फर्टिलाइज आने वाले हर जनरेशन में क्या बनाएगा ये ऐसा ही बनाता रहेगा ना आगे चलकर फिर दो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड तो बनेगा नहीं या डॉर प्लांट का डॉर प्लांट के साथ क्रॉसिंग कर कर क्या बनने वाले ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन में डॉर प्लांट ही आएगा और नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएगा तो इस वजह से प्योर लाइन ऑप्टेन करना बहुत ईजी था दिस वॉज अनदर कैरेक्टरिस्टिक थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग दिस प्लांट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड चाहे तो आप इसका क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हो इस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता है इस कैपिटल टी कैपिटल टी या टॉल प्लांट का पोलन ग्रेन लेकर आप डॉर्फ प्लांट के स्टिग्मा पर तो डाल सकते हो और नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेट कर सकते हो यू कैन क्रॉस द टॉल एंड डॉर्फ

इंपॉर्टेंट चीज थी मैनेजेबल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स कैन बी ऑप्टेंड मैनेजेबल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स कैन बी ऑप्टेंड ऑफस्प्रिंग की नंबर सफिशिएंटली लार्ज थी और हम आगे पढ़ लेंगे ऑफ आर द आउटपुट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट का आउटपुट ही क्या है ऑफ है और जितने ज्यादा ऑफ मिलेंगे उतने ज्यादा भी नहीं मिलने चाहिए जिसको हम गिन ना पाए काउंट ना कर पाए यहां पर काउंटेबल काउंटेबल नंबर थी और दूसरी बात ज्यादा नंबर थी जिसके कारण इस पर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं ओके okay? जहां पर आउटपुट्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं वहां पर भी प्रोबेबिलिटी के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं ना आप तो मेंडल डिराइव मेडल डिराइडियोटून जीपिक रेशोन टू टू इज वन मोन हाइब्रिड इस प्रकार के रेशियो उन्होंने ऑब्टेन किए अब ये रेशियो तब पॉसिबल होंगे जब ऑफस्प्रिंग की नंबर ज्यादा होगी एटलीस्ट कितने ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग मिलने चाहिए चार तो बेअस्तरिंग मिलने चाहिए तब जाकर आप कहेंगे कि तीन इस प्रकार के बने चार एक इस प्रकार का बना ओके okay, ज्यादा नंबर में हाँ चार ही मिलेंगे तो प्रोबेबली वह गलत भी हो सकता है जितने ज्यादा प्रकार के अवस्तुर उतने एग्जैक्ट रिजल्ट्स क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे कोई तो आप कॉइन लेकर टॉस करें एक बार टॉस किया तो क्या आएगा आइदर हेड और टेल ओके आइदर हेड और टेल कोई तो एक चीज आएगी आपके पास दोनों नहीं आएंगे ओके दूसरी बार टॉस करेंगे वापस हेड और दोनों बार टॉस किया और हेड ही आया हो सकता है इसमें हैपन, लकीली और रैंडमली ऐसा हो सकता है तीसरी बार टॉस करने पर भी हेड आ सकता है या टेल भी आ सकता है इंडिपेंडेंट लेकिन जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन को टॉस करेंगे उतना ज्यादा चांस होता है कि हेड फिफ्टी परसेंटी परसेंट टाइम्स निकल दो तीन बार आपने कॉइन टॉस किया और कह रहे हो कि नहीं नहीं हेड सेवेंटी फाइव परसेंट आता है और ट्वेंटी फाइव परसेंट टेल आता है दिस इज नॉट अ प्रॉपर रिजल्ट इसका मतलब जो आउटपुट्स आ रहे हैं ना इसके जितने ज्यादा मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स उतना बढ़िया आप कर सकते हो okay, इसीलिए हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कभी कभी

मेंडल को लगता था कि ये बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला ऑर्गेनिज्म है जिस पर स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि जेनेटिक्स को जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए एटलीस्ट आपको तीन तक उसको ग्रो करना होता है ठीक है अब सिड की, की सोइंग कर, कर उसकी नेक्स्ट जनरेशन लाने के लिए तीन मंथ्स काफी होती है थ्री मंथ की लाइफ साइकिल कितने महीने मैंने की है 3 मंथ्स इसका मतलब एक साल में आप पूरे के पूरे तीन जनरेशंस पढ़ सकते हो व्हाट अबाउट द ह्यूमंस व्हाट अबाउट द ह्यूमंस आपको तीन जनरेशंस स्टडी करनी है ह्यूमन की एक जनरेशन मींस बर्थ होकर उसका वापस नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए कितने साल लगते हैं एटलीस्ट 20 25 साल 20 साल एक जनरेशन एफ1 जनरेशन के लिए 20 साल रुकना पड़ा एफ टू जनरेशन के लिए और बीस तो तो साल रुकना पड़ेगा के okay? करें यही दिक्कत है बाकी जो एनिमल्स है लार्ज जिनका लाइफ स्पैन लंबा होता है उन पर काम करेंगे तो इस प्रकार का प्रॉब्लम आ सकता है तो लाइफ स्पैन जितना छोटा उतना फास्ट आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे ओके और उनको लगता था कि पाइसम टाइम कंपेरेटिवली बहुत छोटे लाइफ स्पान वाला प्लांट है जिसके ऊपर स्टडी कर कर हम शॉर्ट टाइम पूरे प्रिंसिपल डिराइव कर सकते लेकिन आज का जमाना तो इससे बहुत फास्ट है ये मेंडल का हीरा था 1865 का आगे चलकर 19 हम आगे पढ़ लेंगे कि 1908 में मॉडल ऑर्गेनिज्म बदल दिया गया टी मॉर्गन ने कहा नहीं हम पाइसम से टाइम नहीं पढ़ेंगे हम ड्रॉसफिलास्टर को स्टडी करेंगे दिस इज बेटर मॉडल ऑर्गेनिज्म कंपेयर टू द से टैम बिकॉज कैन कंप्लीट इट्स लाइफ और लाइफ साइकिल विद इन फिफ्टीन डेज इसका मतलब तो पाइसम से की एक लाइफ एक लाइफ साइकिल पढ़ने तक ड्रॉसफिलास्टर के तो पांच ही जनरेशन होते आती है ओके okay, जो रूल्स मेंडल को डिराइव करने में 9 साल लगे थे ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर का यूज कर कर आप एक साल में डिराइव कर सकते हैं सिक्स गुना या सेवन टाइम्स कम समय लगेगा उसके बाद 1938 30s की बात आई ये तो टीएच मॉर्गन ने स्टार्ट किया था ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर को यूज करना एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म उसके बाद लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत लंबा टाइम है पंद्रह दिन कौन रुकेगा लाइफ साइकिल पंद्रह दिनों तक की कौन यूज करेगा मिडल एंड टैटम आए और ईस्ट का यूज करना स्टार्ट किया उन्होंने वी कैन स्टडी जेनेटिक्स इन द ईस्ट ईस्ट की लाइफ साइकिल नाइनटी मिनट्स की होती है तो so एक दिन में पूरे मेंडेलियन प्रिंसिपल्स हम प्रूव कर सकते हैं एक दिन में इसकी लाइफ साइकिल कितनी नाइन्टी मिनट्स कुछ लोगों को लगा नहीं नाइन्टी मिनट्स कौन रुकेगा क्योंकि रिसर्च इतना आप इतना फास्टली हो जाता है ना आप सिर्फ आइडिया लाएंगे दूसरे लोग तो पेपर पब्लिश कर हट भी जाते हैं तो इसलिए लोग क्या सोचते हैं जितना छोटे लाइफ स्पैन वाला ऑर्गेनिज्म उस पर फास्टली काम करो पेपर आ, लाओ पब्लिश करो और लोगों को बताइए कि ये प्रिंसिपल्स है ओके उसके बाद लोग शिफ्ट हुए ईको लाइफर बीस मिनट में ही हम जेनेटिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स यूज इस पर इसमें प्रूव कर सकते हैं E उसके बाद एस बेंजर आए, सेमियोर बेंजर। उन्होंने कहा नहीं, नहीं अब इससे तो सिंपलेस्ट सिस्टम कौन सी है वायरस वायरस इस पर स्टडी करेंगे। इस प्रकार से लाइफ कम करने के लिए सिंपल सिस्टम के लिए लोग आगे चलकर शिफ्ट होते होते रहे तो ज्यादातर जेनेटिक्स के रूल्स आगे चलकर ईस्ट इकोलाय e वायरस डरसोतला इनमें ही डिस्कवर हुए लेकिन इनिशियली स्टार्ट हुआ था मेंडल को ऐसे लगता था कि छोटे लाइफ पे आने वाला ऑर्गेनिज्म उनके अकॉर्डिंग लेकिन आगे चलकर लोगों ने इसको शिफ्ट भी किया है सेम रूल्स उन्होंने ईस्ट में रोसफिलास्टर्ड में, में प्रूव करने की कोशिश भी की है। ठीक है सो दीज आर फाइव इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट्स वाई ही द मॉडल ऑर्गेनिज्म प्लांट फॉर स्टडीज इसके अलावा और कुछ चीजें थी जो माइनर है जैसे पाइसम सटाइम के कुछ कैरेक्टर्स थे जो बहुत इजीली विजिबल थे मोर्फोलॉजिकल फीचर्स थी जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में पाई जा रही थी जैसे हाइट को देखे पाइसम सटाइम की दो प्रकार की हाइट दिखाई दे रही थी टॉल एंड डॉर्क के लिए सीड सेप देखे तो कुछ सीड्स राउंड सीड थे कुछ सीड वाले प्लांट्स थे तो इजीली इन प्रकार की वराइटीज भी अवेलेबल हो रही हो रही थी वराइटीज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ये भी होना चाहिए तब जाकर आप हाइब्रिड बना सकते हो नहीं तो एक कैरेक्टर एक ही फॉर्म में पाया जाता हो तो क्या हाइब्रिड बनाएंगे उसका तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिलना भी बहुत जरूरी है ये छह चीजें तो मेंडल ने जान बुझ कर सोच समझ कर सिलेक्ट किया था और सेवन कैरेक्टर्स चूज किए थे अपनी स्टडी के लिए लेकिन सेवेंथ जो फैक्टर है दैट वाज अ लक फैक्टर व्हाट वाज द लक ऑफ मेंडल क्या लक फैक्टर था कि जो सात कैरेक्टर उन्होंने अपने स्टडीज के लिए लिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए इन सभी कैरेक्टर के जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर थे दिस वाज द लक फैक्टर और ऐसा नहीं रहता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस अटमेंट शायद मेंडल नहीं दे पाते ओके फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग ऑल दिस कैरेक्टर्स दे आर आउट ऑफ द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कोई भी कैरेक्टर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से जुड़ा नहीं था कोई भी कैरेक्टर में जीनोमिक इम्प्रिंटिंग नाम का नहीं था किसी भी कैरेक्टर में क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस या मैटरनल इफेक्ट नहीं था मैटर इनहेरिटेंस नहीं था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं था तो बहुत सारे कंसेप्ट से मेंडल बचे थे तो मेंडल के जो भी कैरेक्टर्स थे दे आर नॉट फॉलोइंग एनी कॉम्प्लेक्स जेनेटिकल प्रिंसिपल्स किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स जेनेटिकल प्रिंसिपल्स सेक्स लिंग इनहेरिटेंस देन जीनोमिक इम्प्रिंटिंग मैटरनल इफेक्ट मैटर्न इनहेरिटेंस देन जिसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं ओके okay, सो so इस प्रकार की चीजों से ये बचते गए इसलिए उन्होंने सक्सेसफुली इन रूल्स को तो एक्सप्लेन किया और ऐसा कहा जाता है हम आगे भी डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ जहां पर कहां पर उनको इन कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था इनके हिसाब से जहां पर कहां पर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे उन कैरेक्टर्स को इन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया और उन्होंने पब्लिश भी नहीं किया ओके okay? जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट मेंडल ने ढूंढ ही लिया था लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम डोमिनेंस भी हम ही बताए और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी मैं ही बताऊँ के वाई टेल इट उन्होंने क्या किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो भी रिजल्ट्स मिल रहे थे वो तो बताए नहीं सिर्फ डोमिनेंस वाले रिजल्ट बताते दीज आर दी थिंग्स बाई बिच मेंडल सिलेक्टेड पाइसम टाइम फॉर स्टडीज मेंडल ने सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट जो क्रॉसेस किए थे मोनो हाइब्रिड क्रोसेस कीट कास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वॉट इज हाइब्रिड हाइब्रिड का क्या मतलब होता है हाइब्रिड इज नथिंग बट क्या हाइब्रिड का मतलब जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स में क्रॉस कर जो ऑफस्प्रिंग ऑप्टेन की जाती है उसको हाइब्रिड कहा जाता है अब जेनेटिकल डिफरेंस कितने कैरेक्टर के लिए है इस हिसाब से हम उसको मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड कहेंगे तो हाइब्रिड इज नथिंग बट ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड इज नथिंग बट ऑफस्प्रिंग ऑप्टेन क्रॉसिंग जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स फॉर आइदर सिंगल कैरेक्टर और फॉर मल्टीपल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रिक्स ठीक है तो हम मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हैं व्हाट इज मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्या है ऑफ स्प्रिंग्स ऑप्टेन क्रॉसिंग जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स और सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक कैरेक्टर के लिए जो पेरेंट जेनेटिकली डिफरेंट है उनका क्रॉस कर कर जो ऑस्परिंग ऑप्टरिंग की जाती है उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड दिस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड इन्होंने सात अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए मोनोहाइब्रिड ऑप्टेन किए सेवन डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए इन्होंने मोनोहाइब्रिड ऑप्टेन किए। जैसे कोई प्लांट टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट अब ये एक कैरेक्टर ही हुआ ना वट इज द कैरेक्टर हाइट इज द कैरेक्टर और इस कैरेक्टर के लिए प्लांट अलग अलग है कोई टॉल है कोई डॉर्फ है इनको क्रॉस किया ये एफ वन जनरेशन ऑफ टेन की येफ वन की सेल्फिंग की येफ टू जनरेशन ऑफ टेन की दिस वॉज वन कैरेक्टर फॉर विच ही ऑफटेन द मोनो हाइब्रिड ऑफ टू एफ टू जनरेशन दूसरा कैरेक्टर था सीड सेप सीड़ सेप में भी उन्होंने क्या किया राउंड सीड वाले प्लांट लिए और एक प्लांट लिया रिंकल सीड वाला दोनों में क्रॉस किया एफ वन जनरेशन ऑफ टेन की और वापस ये वन की सेल्फिंग कर कर ये टू जनरेशन ऑफ टेन की हर कैरेक्टर के लिए वही एक सेम चीज कर रहे थे उसके बाद सीड कलर की बात करें सीड कलर में येलो सीड्स वाले प्लांट लिए और ग्रीन सीड्स वाले प्लांट लिए इन दोनों का क्रॉस किया वापस क्या ऑप्टेन किया एफ वन जनरेशन पेरेंट्स का क्रॉस कर कर जो भी जनरेशन आती है ना उसको एफ वन मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन डायरेक्ट पेरेंट का क्रॉस कर कर जो भी जनरेशन आएगी उसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहेंगे एफ वन जनरेशन इसका क्रॉस करेंगे और एफ टू जनरेशन ऑप्टेन करेंगे वापस ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं इस प्रकार से इन्होंने कितने अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स के लिए मोनो हाइब्रिड ऑप्टेन किए जो भी हाइब्रिड मिल रहे हैं हमें एफ वन हाइब्रिड एफ टू हाइब्रिडर्दी हाइब्रिड सा ये क्या है ये हाइब्रिड्स है क्योंकि हमने पेरेंट जो लिए थे वो सेम थोड़ी लिए थे एक कैरेक्टर वाले वो जेनेटिकली डिफरेंट थे क्योंकि फिनोटाइप डिफरेंट है इसका मतलब वो मानते थे कि जीनोटाइप भी अलग है ओके okay? इस प्रकार के कितने कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड्स ऑप्टेन किए सेवन डिफरेंट इंटरेस्टिंग ट्रेड्स के लिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड ऑप्टेन किए और हर हाइब्रिड के यफ वन जनरेशन को ऑब्जर्व करते थे जनरेशन के ऑब्जर्व करते थे जनरेशन में कौन से ऑफस्प्रिंग कितने आ रहे हैं वो भी देखते थे ये जनरेशन की फिनोटाइप क्या है वो भी देखते थे जो भी मेंडल ने स्टडी किया था वो हर चीज किस को देखकर किया था फिनोटाइप को एक्चुअली ही कहाँ से कहाँ मूव हो रहे थे एक्चुअली फिनोटाइप से जीनोटाइप की तरफ और इस प्रकार की चीज हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स में जब कभी हम फिनोटाइप्स की और से जीन की तरफ जाते हैं इसको हम रिवर्स जेनेटिक्स कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स जेनेटिक्स बेसिकली अर्ली जो ईरा था जेनेटिकल प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करने में जो इरा था लोग ज्यादातर फिनोटाइप की ओर से जीनोटाइप की ओर जाते थे दैट वाज द रिवर्स जेनेटिक्स बट आजकल हम क्या करते हैं आजकल कर हम फॉरवर्ड जेनेटिक्स की ईरा में हैं हम पहले जीन आइसोलेट करेंगे जीन बनाएंगे जीन को सिंथेसाइज करेंगे उस जीन को एक प्रोमोटर के अंडर रखेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डालेंगे और उसका प्रोटीन आइसोलेट कर कर पढ़ेंगे कि ये प्रोटीन क्या बना रहा है और प्रोटीन क्या काम करता है उसके बाद ढूंढेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड जेनेटिक्स रिवर्स जेनेटिक्स फिनो टाइप टू जीनोटाइप एंड रिवर्स जेनेटिक सॉरी दिस इज द रिवर्स जेनेटिक फॉरवर्ड जेनेटिक्स जीन टू फिनो टाइप ओके तो ये अब तरीका चेंज हो चुका है लेकिन काम वही है जेनेटिक्स के दो प्रकार के तरीके हैं जेनेटिक्स के रूल्स और डिस्कवर करने के लिए सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्रॉस विच वॉज डन और उस क्रॉस से क्या क्या चीज़ें ऑप्टेन की थी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कोई भी क्रॉस करने के लिए करने के लिए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पेरेंट्स किस प्रकार के होने चाहिए प्योर लाइन होने चाहिए सबसे पहला जो क्रॉस उन्होंने किया था वह सीड कैरेक्टर को कंसिडर कर किया था। सेप दो प्रकार के थे पाइसम से राउंड प्लांट कुछ प्लांट थे जिसके ऊपर सिर्फ राउंड सीड आते थे और कुछ प्लांट्स थे जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिंकल्ड सीड आते थे रिंकल्ड सीडेड प्लांट हम तो इसके जीनोटाइप के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं क्या जीनोटाइप टाइप वगैरह बिल्कुल नहीं जानते लेकिन हम इसकी फिनोटाइप देख रहे हैं हमने क्या देखा राउंड सीडेड प्लांट है कोई रिंकल्ड सीडेड प्लांट है और यह कन्फर्म भी किया ये प्योर लाइन है के के लिए के लिए राउंड सीडेड और रिंकल्ड सीडेड रिंकल्डेडाइप कैसे कन्फर्म करेंगे बाई रिपीटेड सेल्फ क्रॉसिंग

फर्स्ट स्टेप क्या है हाइब्रिडाइजेशन में प्लांट ब्रीडिंग में वन कैरेक्टर अब ये कैरेक्टर कोई भी हो सकता है हाइट भी हो सकता है पॉड से हो सकता है एनीथिंग okay, अब हम हर कैरेक्टर के लिए सेम प्रोसेस तो नहीं करेंगे एक क्रॉस हम पढ़ लेंगे उसके बाद सेम प्रिंसिपल सभी के लिए अप्लाई होगी ओके नेक्स्ट है वी सेड प्लांट 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 ये plant, हर plant कैसा है bisexual. इसके पास बायोसेक्सुअल का मतलब इसके पास गायनोसियम भी है और इसके पास एंड्रोसियम भी है मीन्स इसके पास एंथर भी है और इसके पास ओहरिज भी है ओके okay? ये दोनों चीजें रहेंगे तो इसकी खुद के पोलन कर खुद की स्टिग्मा पर जाकर गिरेंगे और सेल्फ सेल्फर्टिलाईजेशन भी हो सकता है ऐसा नहीं होना चाहिए हमें तो क्या करना है हाइब्रिड बनाना है तो कौन सा पॉलिनेशन करना चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन इसमें से कोई एक प्लांट जिसको फीमेल के तौर पर काम करना है उसके स्टेम निकाल दे बिफोर मैचुरेशन इसको इस प्रोसेस को इमेस्क्यूलेशन कहा जाता है सो ही कैरी आउट द इेशन ऑफ दैट प्लांट वी विल वर्क लाइक अ जिसके एंथर निकाल दिए गए हैं अब वो सिर्फ पोलन ग्रेन एक्सेप्ट कर सकता है किसी को पोलन ग्रेन नहीं दे सकता है ओके okay? तो हमने रिंकल्ड सीडर प्लांट को इसके इसके हटा दिए इसके पास सिर्फ और सिर्फ अब और ही है स्टेम नहीं है तो हम इस प्लांट को क्या कहेंगे फीमेल और इस प्लांट जिसके पास स्टेमन है अभी भी उसको हम कहेंगे मेल तो हाउ अ प्लांट इज मेड एज अ फीमेल एज वेल एज मेल अब मेल के तौर पर काम करने के लिए करने की कुछ जरूरत कुछ भी नहीं है लेकिन जिस प्लांट को फीमेल के तौर पर काम करना है उस प्लांट का क्या करना जरूरी है इमेस्कुलेशन और दूसरी बात इमास्कुलेशन के तुरंत बाद वो बैगिंग भी करते थे ताकि अनवॉन्टेडली किसी आसपास के प्लांट प्लांट का पोलन ग्रेन आकर इस पर गिर जाए और अलग ही रिजल्ट आए ऐसे नहीं होना चाहिए था हाँ हम जब पोलन ग्रेन इस पर डस्ट करें ट्रांसफर करें तब जाकर हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए इसलिए बैग लगाकर कर पॉलीथिन बैग में इसको छुपा कर रखते थे, थे। बैगिंग नेक्स्ट स्टेप क्या है बैगिंग इसके एंथर मैचर होने के बाद ब्रश का यूज कर कर एंथर को तो लाइज करते बस करते और इसके पोलन ग्रेन यहाँ पर डस्ट कर लेते और वापस बैग लगा कर रख देते ओके तो इस पर भी बैग लगाई गई थी और बैग निकाल कर वापस एंथर ट्रांसफर किया पोलन ग्रेन ट्रांसफर किए गए कौन से प्लांट के पोलन ग्रेन ट्रांसफर किए गए राउंड सीडेट प्लांट के पोलन ग्रेन लिए और रिंकल सीडेट प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफर किए अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू जनरेशन आई न्यू जेनरेशन में क्या बने सीड्स बने और जो भी न्यू जनरेशन आई कि पेरेंट का क्रॉस कर कर उन्होंने कहा इट इज अ फर्स्ट फिलियल जनरेशन एंड ही मेड द ऑब्जर्वेशन

यहां पर एक तो चीज डिस्प्रूव हुई कौन सी चीज डिस्प्रूव हुई थी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस जिसका क्या कहना था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मिक्सचर आता है ऑफस्प्रिंग्स आर मिक्सचर ऑफ बोथ पार्शियल पार्शियल राउंड आता तो हम ब्लेंडिंग इनिटर्स को मान लेते लेकिन यह ऐसा नहीं हुआ ओके okay? नेक्स्ट जो चीज उन्होंने की यह अफ जनरेशन की सेल्फिंग की सेल्फिंग मीन उसको छोड़ दिया ऐसे ही आप और नॉर्मली पाइसें्लांट करते क्या है सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं इसका मतलब जो प्लांट मेल है वही प्लांट फीमेल ही हो रहा है जिसका जीनोटाइप मेल का है उसी प्रकार का जीनोटाइप फीमेल का भी रहेगा तो क्या किया प्रोबैब दैट इज एफ वन इज क्रॉस विथ एफ वन ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है बाय डिफॉल्ट हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन और उसने इनकी क्रॉसिंग कर कर जो रिजल्ट ऑप्टेन किए जो स्प्रिंग ऑप्टेन की उसको हम क्या कहेंगे आप एफ वन का क्रॉस करके जो ऑफस्प्रिंग आती है उसको एफ टू जनरेशन कहा था? और उन्होंने देखा कुछ प्लांट्स राउंड सीडेड है और कुछ प्लांट्स रिंकल्ड सीडेड है ओके राउंड सीडेड एंड रिंकल्ड सीडेड बहुत सारे सीड्स मिलने के कारण प्लांट्स उस सीड्स को सोइंग कर, कर देख रहे थे कितने प्लांट्स रिंकड वाले हैं कितने प्लांट्स राउंड वाले हैं ओके तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर 100 परसेंट में से 75 परसेंट प्लांट्स राउंड सीडेड प्लांट्स थे जिसको हम थ्री बाय फोर भी लिख सकते हैं या इसको हम सेवेंटी परसेंट भी लिख सकते हैं और ट्वेंटी फाइव प्लांट मीन बाय फोर प्लांट देवेर वट काइंड ऑफ प्लांट्स रिजल्ट फॉर वन कैरेक्टर ये किसके लिए है एक कैरेक्टर के लिए रिजल्ट है अभी तक जीनो भी नहीं आया कुछ नहीं आया है जीनो तो हमने नोटबुक पर लिखे थे एक्चुअल जीनोटाइप थोड़ी पता था पहले क्या था हाँ इन फिनोटाइप को देखकर कर उन्होंने बाद में लॉजिक लगाया कि इस इस प्रकार की चीजें हो सकती प्रोबैबलेके okay? क्रॉस हुआ सेम क्रॉस वॉज डन फॉर अनादर कैरेक्टर क्रॉस क्या था फिर टॉल हाइट वाला एक प्लांट लिया डॉर्फ हाइट वाला एक प्लांट लिया जिसको फीमेल के तौर पर काम करना था उसके एंथर्स हटा दिए जिसका इमेजन किया मैचोरेशन ऑफ एंथर एंथर की मैचोरेशन के बाद एंथर जो भी मान लीजिए यहां पर टॉल मेल है डॉ फीमेल है तो टॉल प्लांट के एंथर के पोलन ग्रेन लिए ब्रश से और कहाँ पर डस्ट कर दिए स्प्रेड कर दिए डार्क डार्क प्लांट की स्टिग्मा पर क्या ऑप्टेन किया एयरफोन ऑप्टेन किया और जितने भी एयरफोन थे सभी के सभी क्या मिल रहे थे टॉल मिल रहे थे एयरफोन का एयरफोन के साथ क्रॉसिंग किया और नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टेन किया यहाँ पर भी सरप्राइजिंगली टॉल एंड टॉर दोनों प्रकार के प्लांट मिल रहे थे और वह भी लगभग इसी रेशियो में दट वेयर टॉल एंड ट्वेंटी वेयर ओके कुछ समझ में आ रहा है इससे सेम थिंग वॉज डन फॉर सीड कलर येलो सीडेड प्लांट लिए ग्रीन सीडेड प्लांट लिए क्रॉस किया या फन जनरेशन ऑफटी की सभी के सभी येलो सीडेड प्लांट आए हैं वो सोच रहे थे कि चलो प्री फॉर्मेशनिज्म काम कर रहा है लेकिन जब उन्होंने सेल्फिंग की सेल्फिंग करने के बाद ये अपू जनरेशन में भी प्री फॉर्मेशनिज्म आना चाहिए था ना एक ही पेरेंट नेक्स्ट जनरेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो नेक्स्ट जनरेशन में ऑब्वियसली टॉल एंड डॉर्क थोड़ी आनी चाहिए थे आधर टॉल आने चाहिए थे डॉक आने चाहिए थे वैसे तो टॉल ही आने चाहिए थे तो और तो आना ही नहीं चाहिएप्ट काम करेगा तो ओके तो हर कैरेक्टर के लिए इसी प्रकार के रिजल्ट आते गए और में फिनो टाइप का रेशो क्या आता गया यू जनरेशन में अब कैरेक्टर का नाम बदलेगा लेकिन फिनो टाइप का रेशियो क्या आएगा थ्री इज टू वन मीन थ्री बाय फोर इज टू वन बाय फोर सेवेंटी फाइव परसेंट एक प्रकार के प्लांटी फाइव परसेंट एक प्रकार के प्लांट ये तो हुआ गार्डन में एक्सपेरिमेंट अब तक हम गार्डन में थे अब हम नोटबुक नोटबुक पर जाएंगे एक्चुअल अब इसको सॉल्व करेंगे ऐसा कब होता है ओके अपना दिमाग लगाकर स्टैटिस्टिकल जो दिमाग था मेंडल के पास और ये चीजें बाकी लोगों ने की थी इस प्रकार के रिजल्ट उनको भी मिल रहे थे लेकिन वो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाए इससे बिकॉज दे डोंट हैव आइडिया अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स ये कब होता है क्या होता है ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए उट ऑब्जर्वेश मिल रहे थे उसके हिसाब से क्या क्या कंक्लूजन इन्होंने लगाए वापस वही हम क्रॉस लिखेंगे यहां पर क्या क्रॉस था फर्स्ट राउंड प्लांट का क्रॉस रिंकड सीडेड प्लांट के साथ किया गया ये तो पेरेंटल जनरेशन थी ही लिखेंगे इसको हम एफ वन जनरेशन सभी के सभी क्या मिले ऑल राउंड मिले ओके और यन जनरेशन की सेल्फिंग पर सेल्फिंग ऑफ एफ वन इसका मतलब राउंड का क्रॉस राउंड के साथ यफ वन राउंड एफ वन राउंड इन दोनों का क्रॉस कर, कर जो भी ऑफस्प्रिंग मिले इसको एफ टू कहा गया थ्री बाय फोर वेर राउंड एंड वन रिंकल्ड ओके अब तक के यह रिजल्ट थे ये सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए हर कैरेक्टर के लिए प्रकार के रिजल्ट मिलते जा रहे थे वॉट वर द ऑब्जर्वेशन पहले तो हम एफ वन जनरेशन का ऑब्जर्वेशन करेंगे

डार्विन तो पहली बात तो इन्होंने डिस्प्रूव की कि ऐसा नहीं होता है ऑस्प्रिंग्स आर नॉट ब्लेंड्स ऑफ पेरेंट्स पैरेंट्स नहीं होते मिक्सचर नहीं होते हैं ओके कोई एक ही कैरेक्टर हाइब्रिड में दिखाई देता है और जो दिखाई देता है उसको हम डोमिनेंट ट्रेड कहेंगे हाइब्रिड में जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है जो ट्रेड दिखाई दे रहा है, है उसको हम क्या कहेंगे डोमिनेंट ट्रेड इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने फर्स्ट कंसेप्ट दिया दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ एक पहली बात तो और एक यू के रिजल्ट देखकर उन्होंने एक फर्स्ट कंक्लूजन निकाला यहां से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कंक्लूजन नो प्रीफॉर्मेशनिज्म ऑपरेट फर्स्ट कंक्लूजन क्या था प्रीफॉर्मेशनिज्म ऑपरेट नहीं होता है सिंगल पेरेंट इज नॉट अ अंट्रीब्यूटर टू द नेक्स्ट जनरेशन इन्होंने कहा क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं मान लीजिए एक ही पेरेंट नेक्स्ट जनरेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करता यहां पर तो ठीक है ऐसा लग रहा था कि एक ही पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कहां पर जनरेशन तक राउंड सीडेड प्लांट का ही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में आया तो हमने मान लिया कि यह राउंड सीडेड प्लांट नेक्स्ट जनरेशन को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ये अकेला कंट्रीब्यूट करता है इधर से कोई कैरेक्टर वाला फैक्टर आता ही नहीं तो यहां पर थोड़ी इस प्रकार के रिजल्ट मिलने चाहिए थे इसका मतलब ये रिंकल्ड सीडेड कैरेक्टर जो ट्रेड है किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा ये मान लीजिए मेल है और ये फीमेल है जनरेशन में तो हमने हमें लगा कि मेल ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था फीमेल कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही थी लेकिन एफ टू जनरेशन के बाद देखने के बाद पता चला ऑब्वियसली इट इज नॉट अ केस क्या है नेक्स्ट जनरेशन को दोनों पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं क्यों

फैक्टर जिसको डिटरमिनर दिटर्मिन, या फैक्टर जिसको हम आज क्या कहते हैं तीन कहते हैं एक पेरेंट नेक्स्ट जनरेशन को एक फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता इसका मतलब हर एक पेरेंट नेक्स्ट जनरेशन को एक फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इसका मतलब क्या है एक कैरेक्टर के लिए हर ऑर्गेनिज्म में कितने फैक्टर होते होंगे कितने होते होंगे डिप्ल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है दो तो ही फैक्टर होते होंगे ना इन्होंने कहा कि एज ईच फैक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड एज वन फैक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई वन पेरेंट नेक्स्ट जनरेशन दोनों पेरेंट से एक एक फैक्टर आएगा तो एक कैरेक्टर के लिए ऑर्गेनिज्म में कितने फैक्टर रहेंगे दो तो फैक्टर रहेंगे फॉर ईच कैरेक्टर फॉर ईच कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म कैरी Two हर एक कैरेक्टर के लिए ऑर्गेनिज्म के पास दो फैक्टर ये फैक्टर क्या थे लेकिन अब इसको हम प्यर कह रहे थे प्यर का मतलब इसके पास भी सीड शेप के लिए दो फैक्टर होंगे ना इसको प्यवर क्यों कहा गया क्योंकि इसके पास जो फैक्टर थे दोनों के दोनों किस प्रकार के थे सेम प्रकार के थे कैपिटल आर कैपिटल आर लिख लिया उन्होंने नोटबुक पर काम हो रहा है ये काम गार्डन में नहीं हो रहा है गार्डन में तो हमने सिर्फ फिनोटाइप देखे थे रिजल्ट को नोट डाउन किया गया उसके बाद वो सॉल्व करते बैठे नौ साल नाइन ईयर्स तक ओके नाइन ईयर्स दिमाग लगा और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये चीजें है यहाँ पर ओके तो हमें तो एक घंटे में समझना है थोड़ा दिक्कत होगी ना ओके और और उस अदर बायोलॉजिस्ट हमारा भी स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स इतना बढ़िया नहीं है तो इसको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी ऑब्वियसली कि उस जमाने के लोग समझ नहीं पाए थे इसीलिए उसको निग्लेक्ट किया था okay? और दूसरी बात यहाँ पर रिंकल सीड भी आने के लिए दो तो फैक्टर होंगे ना इसको उन्होंने कहा स्मॉल आर स्मॉल एज दे आर प्योर प्लांट्स फॉर दैट कैरेक्टर इसने यहाँ पर एफ जनरेशन को क्या भेज दिया कैपिटल आर इसने एक जनरेशन को क्या भेज दिया लेकिन किस फॉर्म में किसके थ्रू गैमेट्स के थ्रू तो फॉर ईच कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म देयर आर टू फैक्टर्स वन फैक्टर इज ऑप्टेन फॉर वन पेरेंट अनदर फैक्टर इज ऑप्टेन फॉर अनदर पेरेंट एंड थ्रू विच इन विच फॉर्म द फैक्टर्स आर ऑप्टेन बाय द नेक्स्ट जनरेशन और बाय द ऑफस्प्रिंग फैक्टर्स मूव टू नेक्स्ट जनरेशन वाया गैमेट्स इसका मतलब इस राउंड सीडेड प्लांट ने जो मेल के तौर पर काम कर रहा था इसने क्या बनाए होंगे बनाए होंगे इस प्रकार के कंटेनिंग और इसने रिंकर सीडेड प्लांट ने एज अ फीमेल ये क्या बनाया होगा इसने एग्स बनाए होंगे इस फॉर्म और एक का फर्टिलाइजेशन होकर फ्यूजन होकर जिसकॉम कहते हैं यहां पर क्या चीज आई होगी ओके फैक्टर्स दे कम टुगेदर इन एन ऑर्गेनिज्म और इन द इन द ऑफस्प्रिंग इन द हाइब्रिड बाय विच प्रोसेस फैक्टर नेक्स्ट जनरेशन को भेजे जाते हैं गैमेट के फॉर्म में लेकिन गैमेट फ्यूज होने के बाद फैक्टर एक साथ आ जाते हैं फोर्थ कंक्लूजन ये था दे कम टुगेदर फैक्टर्स दे कम टूगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से फैक्टर को एक साथ लाया जाता है एंड दे लिव टुगेदर एक साथ रहते भी हैं फैक्टर एक ऑर्गेनिज्म में भी रहते हैं ओके okay, ये तो पहला कंक्लूजन था नेक्स्ट कंक्लूजन वाज सेकंड कंक्लूजन ही हैड गिवन अ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस इन्होंने और एक कंसेप्ट दे दिया दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस इन्होंने जितने भी सेवन कैरेक्टर्स को पढ़ा था एफ वन जनरेशन में तो हाइब्रिड ही आ रहा था ना हाइब्रिड मीन किस प्रकार का जीनोटाइप आ रहा था अब यहां पर समझ में आ रहा है कैपिटल आर, स्मॉल आर, इस को क्या कहेंगे हेट्रोजागस. बराबर यहाँ पर कितने है कैपिटल स्मॉल ये दो आलिल्स है लेकिन इन आलिल में से एक आलिल अपना कैरेक्टर दे पा रहा है और दूसरा आलिल साइलेंट रह रहा है कंडीशन में तो इन्होंने देखा हर कैरेक्टर के लिए मुझे इस प्रकार की चीज दिखाई दे रही तो हमने एक कंसेप्ट दे दिया दैट इज कॉल्ड एज ऑफ डोमिनेंस कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है फैक्टर्स दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई देंट्सर बटर बोध वर्क वन फैक्टर काम करते हैं और ऐसा फैक्टर जो हेट्रोजाइगस में अपना है उसको उन्होंने कहा अलिली कहते हैं ना डोमिनेंसी, अकॉर्डिंग टू मेंडल व्हाट इज डोमिनेंसी? डोमिनेंसी का मतलब क्या है कि ऐसा कैरेक्टर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिखाई देता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे इस इसमें कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है राउंड और रिंकल्ड में से राउंड इज डॉमीनेंट और रिंकल्ड क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी कौन सी फिनोटाइप आ रही है राउंड फिनोटाइप आ रही है ठीक है और इस राउंड फिनोटाइप को देने वाला जो आलिल रहेगा उस आलिल को जो इवन हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपनी फिनोटाइप दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे डोमिनेंट, सो कैपिटल आर इज डोमिनेंट और स्मॉल आर रिसेसिव को कैसे डिफाइन करेंगे define recessive trait. Recessive trait को करें पहले ट्रेट का मतलब समझ में आ रहा है

डोमिनेट करना है ये दिखने के बेसिस पर बोल रहे हैं कि जो वन में नहीं दिखाई देगा फिनोटाइप उसको हम रिसेसिव मान लेंगे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो फिनोटाइप दिखेगी उसको हम डोमिनेट मान और ऐसा आलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपनी फिनोटाइप नहीं दे पाता है में, इस आलील को क्या कहेंगे स्मॉल आर इज दिवाली लेकिन डोमिनेंस के कंसेप्ट ने दो चीजें जो पहले वाली जो दो गलती गलतियां थी बेसिकली तो सुधार दिया कौन सी गलती थी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का क्या कहना था नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर पेरेंट के कैरेक्टर का मिक्सचर होता है ये कंसेप्ट गलत साबित हुआ ना डोमिनेंट के कंसेप्ट ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस वाज डिस्प्रूव बाय यूजिंग व्हिच कंसेप्ट डोमिनेंस डोमिन ऑफ डोमिनेंस ये कहता है ऐसा नहीं है नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट के तरह का ही फिनोटाइप आ सकता है डोमिनेंस ही कब कही जाएगी किसी एक पेरेंट का फिनोटाइप नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देता हो दूसरे पेरेंट का बिल्कुल फिनोटाइप दिखाई नहीं देता हो तो उसको हम डोमिनेंस ही कहेंगे अब दोनों का इंटरमीडिएट आ जाता तो हम कहते हैं ये क्या है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस ने इतना ही नहीं कहा था और एक चीज कह दी थी एक बार ये मिक्सचर बन गया ये रिंकल राउंड का कॉम्बिनेशन मिक्सचर बन गया तो आगे चलकर राउंड रिंकल अलग नहीं हो सकते यहां तक तो एक प्रिंसिपल हमने डिस्प्रूव किया दैट इज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेम थिंग हाइट डज़ द कैरेक्टर सेम टॉल प्लांट लिया डार्क टॉल प्लांट का क्रॉस डॉर्फ के साथ किया ये एफ जनरेशन ऑफ की सभी के सभी टॉल आए और टॉल एफ वन और दूसरा भी एफ वन वाला टॉल लिया इनकी क्रॉसिंग करा ली सभी के सभी एफ टू आए थ्री बाय फोर टॉल आए डॉर्फ आए वन बाय फोर ठीक है इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू मेंडल हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट सेम तरीका तो सेम ही रहेगा पहले तो ईफ टू को देखकर उन्होंने कहा दोनों पेरेंट नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं क्या कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रामेड के थ्रू और ग्रामेड इन फैक्टर को लेकर आता है नेक्स्ट जनरेशन में एक दो, एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में लाता है दोनों को एक साथ इस प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन से है? और जो योन जनरेशन होती है हाइब्रिड एक आलील कैपिटल टी आया एक आलील स्मॉल टी आया ये हुआ अब कैपिटल टी आलील का यहां पर दिखाई दे रहा है इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे डोमिनेंट कहेंगे जिसका फिनोटाइप नहीं दिखेगा उसको हम कहेंगे रिसेसिव और जो फिनोटाइप दिखाई दे रही है एयफोन में उसको डोमिनेंट फिनोटाइप कहेंगे और जो नहीं दिखाई दे रही है उसको हम रिसेसिव फिनोटाइप कहेंगे ये कंसेप्ट अब तक हम पढ़ लिए ठीक है सेम थिंग वी कैन और यू कैन ट्राई फॉर ऐसे एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करना हर सेवन कैरेक्टर के लिए अब तक तो हमने दो ही कैरेक्टर लिए हैं पांच और कैरेक्टर हैं समझना है तो इसी प्रकार से रिपीटेडली क्रॉस कर कर देख लेना ओके तो क्या आएंगे यहां तक हमने अब तक एक्सप्लेनेशन किया है यहां तक ठीक है इसके आगे का एक्सप्लेनेशन बाकी है और इधर देखकर और कुछ प्रिंसिपल डिराइव होने वाली ठीक है उसके पहले वन ऑफ द इज डॉमिनेट ओवर द अनदर आगे जाने से पहले और रिसेसिवनेस को क्लियर कर लें उसके बाद आगे बढ़ेंगे कोई आलिल दूसरे आलिल पर डॉमिनेट क्यों होता है वन इज ओवर अनदर

Phenotype कब देते जब वो होमोजागस कंडीशन में आए और डॉमिनेट ऑलिल कब अपना फिनोटाइप दे सकता है होमोजाइगस कंडीशन में तो देगा ही देगा ऑब्वियसली लेकिन इवन हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी देगा ठीक है so, प्लांट का जीनोटाइप क्या हो सकता है वॉट वुड बी द एक्सपेक्टेड जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट क्या हो सकता है टॉल प्लांट का जीनोटाइप? टी ऐसे तो ऐसा कह सकते हैं ना टॉल बनने के लिए एटलीस्ट एक टी आए बाकी दूसरी जगह कुछ भी आ सकता है ठीक है एटलीस्ट एक टी आया तो टॉल बन सकता है एक कैपिटल टी आना चाहिए बाकी देख लेंगे दूसरा कैपिटल टी आया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्मॉल टी आया तो भी कुछ प्रॉब्लम क्लियर है और इसे या डार्फ बनने के लिए क्या फिनोट टा, जीनोटाइप होनी चाहिए स्मॉल टी अकेला स्मॉल टी लिख कर नहीं कह सकते आप ये दूसरा भी स्मॉल टी ही आना चाहिए तब जाकर डॉर्क बनेगा अदर वे टू हैव अ डार्फ प्लांट कोई अदर वे नहीं है इसी प्रकार से आएगा तो रिसेसिव फिनोटाइप इसी प्रकार से आएगी या तो दूसरा जीन आए ही नहीं ना टी आए कैपिटल डी आए ना स्मॉल डी आर या अकेला ही आ जाए जाएड कंडीशन बन जाए ठीक है ऐसा हो या डिप्लोइ कंडीशन में हंड्रेड परसेंट ऐसा ही आना चाहिए तब जाकर डॉर्फ आएगा अबाउट रिंकल्ड स्मॉल आर स्मॉल आर ही आना चाहिए अबाउट राउंड एटलीस्ट एक कैपिटल आर आना चाहिए ना दूसरा कैपिटल आर आए तो हम उसको होमोजा डोमिनेंट कहेंगे कैपिटल आर स्मॉल आ रहा है तो उसको हम हेट्रोजाइगस डॉमिनेंट तो डोमिनेंसी होमोजाइगस हो सकती है हेट्रोजाइगस हो सकती है लेकिन रिसेसिवनेस 100 क्या होगा होमोजाइगस ही होगा ठीक है यहां से ये समझ में आ रहा है अब क्वेश्चन ये है कि हमने कहा एक आलिल दूसरे आलिल पर डोमिनेंट क्यों है कोई किसी पर डोमिनेंट क्यों हो रहा है कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर कैपिटल टी इज डोम स्मॉल टी इट इज सो ऐसा क्यों कैपिटल आर डोमिनेंट है जो प्लांट है टॉल हाइट जो है वह डॉर्फ हाइट पर ऐसा क्यों वाई आलिलेंट ओवर दिस इज बिकॉज डॉमिनेंट आलिली वर्क वह अपना अपना काम करते हैं डोमिनंसी इज नॉट बिकॉज ऑफ इनिबिशन ऑफ अदर्स दूसरों को रोकेंगे नहीं अपना अपना सिंसियरली काम करेंगे जो अपना अपना काम कर रहा है वो डोमिनंट है यहां पर जेनेटिक्स में डोमिनंसी दूसरों का काम रोक कर जो डामिनंसी होती है ना उसको पॉजिटिव डोमिनसी नहीं कहेंगे आप उसको निगेटिव डोमिनसी कहेंगे यह हम पॉजिटिव डोमिनसी की बात कर रहे हैं वाई कैपिटल टी एंडल आर दे आर डोमेंट ओर स्मॉल टी एंडली दिस इज बिकॉज दे आर एक्टिवली वर्किंग कि ये प्लांट राउंड सीड वाला क्यों बना ये जो प्लांट्स है ये राउंड सीडेड प्लांट क्यों बने क्योंकि इनके पास कैपिटल आर जीन है और कैपिटल आर जीन से स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एनकोड हो रहा है और जिस किसी प्लांट के सीड्स में एंडोस्पर्म में, ब्रांचिंग में स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आएगा अरे कौन एनकोड करेगा हु विल एनकोड द स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम कैपिटल आर अकेला एक भी कैपिटल आर आया तो ये एंजाइम बन जाएगा एंडोस्पर्म में एंड दिस एंजाइम विल एक्युमुलेट मोर स्टार्च और स्टार्च जितना एक्युमुलेट होगा उस सीड में उतना वाटर एब्जॉर्ब करके रखा जाएगा और वो टर्जिड दिखना स्टार्ट होगा रिंकल नहीं रहेगा मोर स्टार्च द सीड विल बी कॉल्ड एज टर्जिड सीड और राउंड सीड इस प्लांट में प्रॉब्लम क्या था फिर? Why this small R was recessive? क्यों है ये recessive? क्योंकि स्मॉल आर की दो दो आलिल है लेकिन एक भी काम का नहीं है वही आलिल रिसेसिव क्यों है क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा है ठीक है वाई dominant, dominant? it is इज working। जो करना है वो कर रहा है स्मॉल आर recessive, recessive? यहां से देखिए यहां से देखिए यह प्रोटीन तो बना रहा था ये तो प्रोटीन भी नहीं बना रहा था ये 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 तो इस प्रकार का फंक्शन है, है। है, प्रोटीन प्रोटीन भी नहीं बना बना पा रहा है। ये प्रोटीन बना रहा है लेकिन इस प्रकार का बना रहा है, तो जिस प्लांट में दो दो स्मॉल आ रहे होकर क्या मतलब है? नहीं बनेगा, ना, नहीं बनेगा।, नहीं बनेगा तो क्या होगा, कम होगा।, कम होगा तो पानी उतना होल्ड कर नहीं रखा जाएगा और सीड ड्राई होने पर किस प्रकार का एक्वायर करेंगे एक्वायर करेंगे कैपिटल डोमिनेंट और स्मॉल ये है, ये प्लांट प्लांट टॉल टॉल है है भी लेकिन ये प्लांट डॉर्फ है ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर एक कैपिटल कैपिटलिटी हो या दोनों भी हो उसकी दिक्कत प्रॉब्लम उसका कुछ भी नहीं है लेकिन एक कैपिटलिटी होगा तो कौन सा एंजाइम बनाएंगे जीए थ्री ऑक्सीडेज बनाएंगे और जीए थ्री ऑक्सीडेज जीए ट्वेंटी को जी वन में कन्वर्ट करेगा जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ जिबरलिक एसिड है जितना बनेगा उतनी प्लांट तो क्योंकि ऐसा नहीं कर रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल को रोक रहा है इसलिए वो डोमिनेंट है ठीक है इस वजह से डोमिनंसी नहीं है ये डोमिनेंसी रोकने के कारण नहीं है अपना अपना काम करने के कारण लेकिन ये तो कंसेप्ट किसने बताए थे बेसिक इसका का रिशेष्ट बताया था मेंडल ने लेकिन आगे चलकर पता चला कि मेंडल का कैपिटल टी डोमिनेंट क्यों है और मेंडल का कैपिटल आर डोमिनेंट क्यों है इसको आगे चलकर मोलिकुलर जेनेटिक्स ने डिस्कवर किया ऐसा क्यों होता है आगे चलकर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ये मेंडल ने नहीं कहा था बेसिकली ये भी याद रखना इन नेगेटिव डोमिनेंस का नाम जो है नेगेटिव डोमिनेंस जो कंसेप्ट है इट वाज नॉट गिवन बाय द मेंडल इट इज लेटर ऑन डिस्कवर्ड आगे चलकर पता चला नेगेटिव डोमिनेंस भी हो सकता है ठीक है डोमिनेंसी पॉजिटिव डोमिनेंसी क्यों होती है कि जो अपना अपना काम करेगा अपनी अपनी पढ़ाई करेगा और जो टॉपर आएगा पॉजिटिव डोमिनेंट ठीक है सो इट इस प्रकार की डोमिनेंसी आप अपनी खुद की पढ़ाई करके वो टॉपर आ रहा है लेकिन निगेटिव डोमिनेंसी का मतलब क्या है जो दूसरों को इनिबिट कराए और अपना फिनोटाइप देने की कोशिश करें ओके हम तो पढ़ाई नहीं कर रहे लेकिन उसकी पढ़ाई रोकेंगे और मैं ऑटोमेटिकली टॉपर आ जाऊंगा दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव डोमिनेंस तो निगेटिव डोमिनेंस कहां पर हो सकती है जहां पर एसोसिएशन होता है जहां पर दो चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड होती है और ऐसा स्टूडेंट जो मेरे साथ रहता ही नहीं है उसको क्या रोकेंगे आप ऐसा दोस्त जो मेरा दोस्त ही नहीं है बेसिकली उसको क्या रोकेंगे उसको डिस्टर्ब कैसे करेंगे कर नहीं सकते कब कर सकते हो आप जब आपके साथ है रूम पार्टनर है आपका इसके आगे मुझे जाना है तो दिन भर उसको किसी ना किसी चीज में बिजी रखो ओके दैट इज ए निगेटिव डॉमिनेस तो निगेटिव डॉमिनेंस में क्या होता है जैसे हम पढ़ रहे थे यहां पर कोई आई लैक आई प्लस जीन है प्रमोटर यहां से तो लैक आई का एमआर बन रहा है इसका ट्रांसलेशन हो रहा है और यहां से प्रोटीन भी बन रहा है और ये दूसरा जीन है ऐसा म्यूटेंट हमने पढ़ा था ऑपेरोन में और यहां से एम आर बन रहा है एम आर से प्रोटीन भी बन रहा है लेकिन ये प्रोटीन अच्छा नहीं है ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है लेकिन लैक रिप्रेसर बनने के लिए चार सब यूनिट की जरूरत होती है अकेले सब यूनिट की जरूरत रहती तो ये काम कर लेता अपना अपना इंडिपेंडेंट अपना अपना काम कर लेता और लैक रिप्रेसर के तौर पर ही काम करता लेकिन क्या हो रहा है कितने पॉलीपेप्टाइड की जरूरत है एक लैक रिप्रेसर बनाने के लिए चार सिर्फ ये पॉलीपेप्टाइड बन जाता सेल के अंदर तो लैक रिप्रेसर में चारों के चारे एक्टिव पॉलीपेप्टाइड आ जाते और इस लैक रिप्रेसर को हम कहते लैकर एक्टिव एक्टिव लैक रिप्रेसर ये सिर्फ और सिर्फ ये जीन रहता लैक प्लस लेकिन क्या हुआ ये तो चाह रहा था कि मैं अपना काम कर लूं अपना अपना पॉलीपेप्टाइड भी बना रहा था और यह ऑब्वियसली लैक ओपेर को लैक्टोज के ऑप्शन में इनिबिट भी करने वाला था लेकिन रोका किसने यह अपना अपना काम करना चाह रहा था लेकिन इसके मन में नहीं था लैक ओपेर को रोकना यह मिसफोल्ड हुआ और इसके साथ जुड़ गया जाकर इस चारों में से इस एक को लिया गया यहां पर यह एक से ज्यादा भी हो सकता अब जो टेट्रामर बन गया टेट्रामर में एक दो पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड या तीन लेकिन एक भी पॉलीपेप्टाइड नॉर्मल आएगी तो लैक रिप्रेसर काम नहीं कर पाएगा तो लैक रिप्रेसर जो लैक प्लस आलील था उसका काम किस तरीके से रोका इनिविट कर कर रोका ये थोड़ी ये डोमिनेंट है आप इसको हम डोमिनेंट कह रहे हैं इसको हमने नाम भी दिया है लैक आई डी काइंड ऑफ म्यूटेशन लैक आई डी म्यूटेंट डोमिनेंट म्यूटेंट है लेकिन यह डॉमिनेंसी थोड़ी पॉजिटिव डॉमिनंसी है अपना काम करने की वजह से थोड़ी डोमिनेंट है ये किसके वजह से डोमिनेंट बना दूसरों का काम रोकने की वजह से और ये कब हो सकता है जब कोई प्रोटीन मल्टीमेरिक हो सकता ये प्रोटीन मोनोमेरिक रहता तो ये थोड़ी रोक पाता तो जनरली निगेटिव डॉमिनेंसी किस प्रोटीन से रिलेटेड होती है मल्टीमेरिक प्रोटीन और एक एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे पी फिफ्टी थ्री एक दूसरा पी फिफ्टी थ्री डी जीन है पी फिफ्टी थ्री प्लस तो अपना काम करना चाहता था लेकिन ये भी टेट्रामर है पी फिफ्टी थ्री डी का एक पॉलीपेप्टाइड आया इन तीनों के साथ जुड़ गया और इन तीनों का काम रो, रोक रो दिया उसने इसको क्या कहेंगे आप वापस निगेटिव डोमिनेंस दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव टर्मिनस सो समझ में आ रहा है डोमिनेंसी एंड निगेटिव डोमिनेंसी में क्या चेंज है ठीक है और एक क्वेश्चन था अरिस्टोटल ने एक्चुअली ये थेरी दी थी ज्यादा दिखेंगे के दिखेंगे या मदर के ज्यादा दिखेंगे फीमेल के ज्यादा दिखेंगे इंडिविजुअल ड्यूरिंग द पॉपुलेशन प्रोसेस ओके तो दैट वॉज अ कंसेप्ट गिवन बाय द अरिस्टोटल इन सभी कंसेप्ट को डिस्प्रूव करना था एक्चुअली मेंडल को तो वो कह मीटिंग के दौरान जो डॉमिनेंट रहेगा उसी के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे फीमेल पैरेंट ओके इस कंसेप्ट को भी डिस्प्रूव करना तो ये कंसेप्ट क्या कह रहा है एक ही पेरेंट नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंसी शो कर सकता है ठीक है ये कंसेप्ट कह रहा है लेकिन इसको डिस्प्रूव किया बाय तो बेसिकली इस कंसेप्ट को कहना क्या है डोमिनेंसी इज बिकॉज ऑफ फ्रॉम वेयर दैट इज पर्टिकुलर सेक्स से जो आलिल आ रहा है वही डोमिनेट होता है कैपिटल कैपिटलिटी डॉमिनेंट क्यों था हाइट में क्योंकि वो मेल से आ रहा था कुछ लोग ऐसे कह रहे थे जो अरिस्टोटल को मानने वाले थे वाई आर वॉज कैपिटल आर वॉज डोमिनेंट बिकॉज इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द मेल मेंडल को इसी प्रकार के भी दिमाग लगाने वाले थे ओके okay. उन्होंने कहा ठीक है हम क्या करेंगे सिक्स रिवर्सल कर कर क्रॉसिस का पहले हमने टॉल प्लांट को मेल मान लिया था अब क्या करेंगे तो फीमेल मान लेंगे उसका ही मैस्कुलेशन करेंगे तो पहले टॉल और डर्फ इस प्रकार का उन्होंने क्रॉस किया था इसको मेल मानकर इसको फीमेल मानकर सभी के सभी किस प्रकार के ऑफस्प्रिंग आए टॉल और लोग कहने लगे मेल इज डोमिनेंट इन दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस दैट्स ऑल द कैरेक्टर इन द एफ1 आर फ्रॉम द मेल इस प्रूव करना था ये तो इसका रेसिप्रोकल क्रॉस किया रेसिप्रोकल क्रॉस टॉल डॉर्फ अब सेक्स रिवर्स हो चुके हैं टॉल इज द फीमेल एंड डॉर्फ इज द मेल इन लोगों को चुपचाप बिठाना था नहीं ये कह रहे थे कि नहीं मेल वाले ही ज्यादा डोमिनेट होते हैं कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन अब क्या हो चुका है टॉल कैरेक्टर कहाँ का किसका है फीमेल कैरेक्टर कैपिटल टी आर्ल कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा नेक्स्ट जनरेशन फीमेल और स्मॉल टी आर्ल कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा मेल तो यहां पर तो कैपिटल टी कैपिटल कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्पर्म से आ रहा था स्मॉल टी एक्स से आ रहा था जायगोट में कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा था और टॉल कैरेक्टर आ रहा था यहां पर अब कैपिटल टी कहां से आएगा एक से आएगा और स्मॉल टी स्पर्म से आएगा इफ सेक्स डिपेंडेंट डोमिनेंस इज देयर कि डोमिनेंस डोमिनस सेक्स डिपेंडेंट रहती तो यहां पर रिजल्ट क्या आने चाहिए ऑब्वियसली मेल का ही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देता एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एज अ डोमिनेंट ट्रेट तो ये क्या कैसे दिखाई देने चाहिए थे पर दिखाई देने चाहिए थे लेकिन सरप्राइजिंगली यहां पर जैसे सभी के सभी अपन टॉल आए थे यहां पर भी सभी के सभी अफन क्या आए टॉल ही आए इससे क्या डिस्प्रूव हुआ डोमिनेंस इज नॉट सेक्स डिपेंडेंट डोमिनेंस इज नॉट

फर्स्ट फर्स्ट डॉमिनंस इज नॉट सेक्स डिपेंडेंट डॉमिनंस इज नॉन सेक्स डिपेंडेंट इट इज नॉट सेक्स डिपेंडेंट फर्स्ट सेकेंड आलिल्स रिसाइड ऑन ऑटोजोम्स आलिल्स कहाँ होते हैं ये ऑटोजोम्स पर होते हैं थर्ड्स दे आर फ्रॉम न्यूक्लियस दे दे आर आर न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रेजेंट ऑन द डीएनए तो जब कभी रेसिप्रोकल के सेम रिजल्ट आएंगे तब तो ये तीन कंक्लूजन निकालना पूरे जेनेटिक्स में सेक्स डिपेंडेंट डोमिनेंसी नहीं होती है आटोजूम पर इसके आलिल्स प्रेजेंट होते हैं लोसाई है कहाँ होते हैं इन आलिल्स के इन कैरेक्टर के लोसाई कहाँ होते हैं ऑटोजूम्स पर होते हैं और जीनोम और डीएनए कहाँ से आता है इनके जीन्स कहाँ होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं लेकिन के रिजल्ट मान लीजिए सेम नहीं आए इफ ये कब की बात है जब रिजल्ट सेम हो इफ नॉट सेम देन व्हाट हैपन? रेसिप्रिकल क्रॉसेस के रिजल्ट सेम नहीं आते तो क्या होता क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं व्हाट आर द पॉसिबल कंक्लूजन फर्स्ट प्रोबेबली प्रोबेबली डोमिनेंस इज सेक्स डिपेंडेंट Sex dependent, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट काम कर रहा है किसी एक का ही जीन आगे चलकर काम करने वाला है ना वह जीन उसी से आए तो ही काम करेगा नहीं तो दूसरी दूसरे सेक्स से आए तो काम नहीं करेगा इसको हम क्या कह रहे थे इम्प्रिंटिंग तो रेसिपरेबल प्रोसेस के रिजल्ट सेम कब कब नहीं आते हैं जब जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होती है सेकेंड वेन लिंक्ड का मतलब

it is not nuclear fourth that is because of maternal effect ye maternal effect ka example ho sakta hai fifth it may be maternal inheritance ye bhi kiske wajah se ho sakta hai मैटर इनहेरिटेंस के कारण हो सकते ठीक है तो जब कभी reciprocal crosses के रिजल्ट same नहीं आएंगे ये चीजें रट लेना ये है चीजें हो सकती हैं

नेक्स्ट जनरेशन गलत है ब्लेंडिंग गलत है क्योंकि डॉमिनंस ही दिखाई जाती है कंसेप्ट ऑफ डॉमिन सेकंड कंक्लूजन अब थर्ड कंक्लूजन की बात कर ले वापस वही क्रॉस हम यहां पर लिख रहे हैं राउंड रिंकल्ड ऑल एन वेयर राउंड इसकी सेल्फिंग करें मीन्स राउंड का राउंड के साथ क्रॉस कराएं जो ऑटोमेटिकली होने वाला है इसको करने की जरूरत भी नहीं है लेकिन लिखते समय हम इसको अलग से लिखेंगे कार से इट इज एफ वन राउंड इट इज आगे ने F1 इनका क्रॉस करें तो कुछ ऑफ स्प्रिंग राउंड आ रहे हैं अराउंड थ्री टू फोर और कुछ ऑफ स्प्रिंग आएंगे, two, four, Means, 75 इस इस लगभग प्रकार प्रकार के 25 इस प्रकार के मेंडल सोचते रहे कि ये ऐसा क्यों होगा ये कब हो सकता है इस प्रकार का रेशियो आएगा कब थ्री बाय फोर हर कैरेक्टर लिए इस प्रकार की चीज दिखाई दे रही थी ना सेवेंटी फाइव परसेंट डोमिनेंट फिनोटाइप कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स और

राउंड और रिंकल्ड इनके पास कैप्टल आर कैप्टर कैपिटल आर कैप्टल आर होंगे इसमें से एक कैपिटल आर गैमेट के थ्रू अब एक गैमेट बनाएगा तो हंड्रेड परसेंट कितने प्रकार के गैमेट बनाएगा एक ही प्रकार का गैमेट गैमेट इस कैरेक्टर के लिए कितने प्रकार के गैमेट होंगे इसके एक ही क्योंकि हर गैमेट में एक ही प्रकार का आलिल्स जाएगा ना क्योंकि हाई इसके पास कितने प्रकार के आलिल्स एक ही प्रकार यहां से एक बनेंगे कितने प्रकार के एक बनेंगे एक ही प्रकार के एग्स दे दे आर आर हैविंग हैविंग स्मॉल कैपिटल है नहीं तो कहां से भेजेंगे क्योंकि से पीवर है उस के लिए इनका फ्यूजन हो जाएगा तो ये राउंड जो मिला इस इस ये किस प्रकार का है इट इनका जीनोटाइप क्या है क्या और इसका भी जीनोटाइप ऑब्वियसली आर स्मॉल आर आप मुझे बताइए ये गैमेट किस प्रकार के बताएंगे बनेंगे गैमेटोजेनेसिस जब होगी हर गैमेट में एक ही आलील जा सकता है और गैमेट में आलील किस प्रकार से जाएंगे ये भी इम्पोर्टेंट है यहां से कितने प्रकार के स्पॉम्स बन सकते हैं मान लीजिए इसको मेल मान लीजिए और इसको फीमेल मान लीजिए कितने प्रकार के स्पॉम्स दो प्रकार के क्योंकि एक स्पर्म तो कैपिटल आर कंटिन्यू बनेगा और दूसरा स्पॉर्म तो स्मॉल आर और ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस capital r factor और small r factor segregation होने की जो प्रोसेस है सिलेक्टिव ना हो ओके इक्वल प्रोबेबिलिटी से हो तो कितने परसेंट कैपिटल आर वाले फॉर्म बनेंगे और तो कितने परसेंट स्मॉल आर वाले स्पॉर्म बनेंगे 50 परसेंट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं

हर ग्यामेट में एक आलिल एंटर करता है और आलिल एंटर करने की प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम होती है होती है कभी पार्सियलिटी नहीं होती है ऐसा कोई गैमेट नहीं करेगा कहे कहेगा कि मुझे टेन परसेंट आर बन जाते ऐसी कोई पार्सियलिटी यहां पर होती नहीं ऐसा हो जाए तो ठीक इस प्रकार का रेशियो पॉसिबल है क्या कहते हैं ऐसा हो जाए तो ही किस प्रकार का रेशो एफ टू जनरेशन में पॉसिबल है थ्री टू वन अदरवाइज दिस रेशो इज नॉट पॉसिबल ओके इस रेशो को देखकर उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है ईच कैरेक्टर क्या इज बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स जो अभी तक हमने डिस्कस किया है हर फैक्टर को या हर फैक्टर नेक्स्ट जनरेशन को एक पैरेंट कॉन्ट्रीब्यूट प्रकार से लिखेंगे ईच पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट वन फैक्टर टू नेक्स्ट जनरेशन वाया वॉट कैम ये तो हम पॉस्टुलेट्स लिख रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हु ब्रिंग दिस फैक्टर टुगेदर

जो एक दूसरे के साथ आए थे फर्टिलाइजेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए वापस और में एंटर करे एज इट इज ब्लेंडिंग विदाउट मिक्सिंग, ओके तो फर्टिलाइजेशन ब्रिंग्स और फैक्टर्स टुगेदर, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ फैक्टर्स विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी एंटर इंटू गैमेटे एट द टाइम ऑफ गैमेट एजेसिस फैक्टर विद इक्वल प्रोबेबिलिटी सेग्रीगेट इंटू गैमेट इस प्रकार से एंटर न कहकर हम प्रकार से लिखेंगे सेपरेट या सेग्रीगेट सेग्रीगेट या सेपरेट इंटू गैमेट्स। ओके सो सिंपली व्हाट इज लॉ ऑफ़ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है

कुछ आर प्राइम वगैरह कुछ बन जाता तो बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर तो अलग हो नहीं पाते इसका मतलब विदाउट मिक्सिंग दे आर लिविंग इन दिस ऑर्गेनिज्म कौन से में ये, without mixing रहे रहे, ये में। और ये जब गैमेट बनाएगा यही कैपिटल आर यही स्मॉल आर नेक्स्ट जनरेशन में इक्वल प्रोबेबिलिटी से गैमेट में एंटर होकर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे इस पूरे लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने किस प्रिंसिपल को वापस चैलेंज दिया लॉ ऑफ्रीगेशन को लॉ प्यूरिटी ऑफ गैमेट कहा जाता है इट इज कॉल्ड एज लॉ प्यूरिटी ऑफ गैमेट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल क्योंकि यही एक लॉ है जो हर कैरेक्टर फॉलो करता है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो टेट्रा हाइब्रिड क्रास हो कोई भी क्रॉस हो हर कोई कैरेक्टर हो सेक्स लिंक कैरेक्टर हो एक्स लिंक कैरेक्टर हो वाई लिंक कैरेक्टर हो साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर हो कोई भी हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो किया जाता है ठीक है हाउ कैन वी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे वॉट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसी ने पूछा आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताइए कैसे बताएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के डेफिनेशन में या प्रिंसिपल में क्या-क्या चीजें आनी चाहिए बेसिकली कैरेक्टर्स आर बिकॉज़ ऑफ फैक्टर्स कैरेक्टर्स आर बिकॉज़ ऑफ फैक्टर्स पेरेंट्स कंट्रीब्यूट द फैक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन वाया गैमेट्स क्या पेरेंट्स कंट्रीब्यूट द फैक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन वाया गैमेट्स फर्टिलाइजेशन ब्रिंग द फैक्टर टुगेदर इन एन ऑर्गेनिज्म दे लिव टूगेदर विदाउट इंटरमिकसिंग विदर एक दूसरे के साथ मिक्स कभी होते नहीं है एट द टाइम ऑफ गैमेटिसमेट विद इक्वल इक्वल प्रोबेबलिटी का मतलब पढ़ रहे थे ना हम कैपिटलिंग स्मॉलिंग टी कंटेनिंग स्मॉल टी कंटेनिंग 50% ये 50 50% बन रहा है इसका मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी से एंटर कर रहे हैं ना गैमेट में अदरवाइज 90% कैपिटल टी बन जाता है और 10% स्मॉल टी बन जाता तो हम कहते हैं ये इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है ओके okay? तो गैमेट किस फॉर्म में बने मेल गैमेट इस फॉर्म में बने इस साइड में मेल गैमेट लिखेंगे एक साइड में फीमेल गैमेट लिखेंगे इस प्रकार के स्क्वेयर्स बनाकर पनेट स्क्वेयर्स बनाकर एक्सप्लेन किया जाता है रिजल्ट को इस साइड में हम मेल गैमेट लिख रहे हैं कैपिटल डी सॉरी कैपिटल आर ए गैमेट है स्मॉल आर एक गैमेट है, है और इस साइड में फीमेल गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर और फर्टिलाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है रैंडम या स्पेसिफिक प्रोसेस प्रोसेस रैंडम होती है कैपिटल आर कैपिटल आर का भी फ्यूजन हो सकता है कैपिटल आर आर स्मॉल के साथ भी फ्यूज हो सकता है इक्वल प्रोबेबिलिटी से और यह स्मॉल आर इस कैपिटल आर के साथ भी फ्यूज हो सकता है और स्मॉल आर स्मॉल आर के साथ भी फ्यूज हो सकता है कितने टॉल कितने डॉर्क बने ये हाफ है ये हाफ है ये हाफ है ये हाफ है ये सब गैमेट इक्वल प्रोबेबिलिटी में हैं तो आप कैपिटल R वाले कितने या राउंड सीड वाले कितने प्लांट बने चार में से रेशो ये आ रहा था थ्री बाय फोर और रिंकल्ड कितने बने और ये रेशो तब आएगा ना जब क्या होंगे गैमेट

आज तो हम हम हमारे जमाने की बात करें मेंडल के जमाने की आज के पीरियड में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू एक्सप्लेन इट क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिस्कवरीज की है बहुत सारी चीजें एडअप होती गई हैं आज के कंटेक्स में इस लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू टूडेज कंटेक्स्ट हम इस

होमोजाइग होमोलोगस क्रोमोजोम पर होमोलोगस क्रोमोजोम आते कहां से है? ये मान लीजिए कोई मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है होमोलोगस क्रोमोजोम आते कहां से हैं पेरेंट से इसका मतलब इस मेल के पेरेंट ने एक कोई मेल पेरेंट होगा इसका फादर होंगे उसने एक वो कैपिटल आर कंट्रीब्यूट किया था उसने मदर ने भी एक कैपिटल r कंट्रीब्यूट किया था इसलिए ये कैपिटल r कैपिटल r बना ये स्मॉल r स्मॉल r क्यों बना क्योंकि इसके मदर ने भी क्या स्मॉल r दिया और फादर ने भी स्मॉल r दिया एक से एक से भी स्मॉल r आया तो हम से भी स्मॉल r ठीक है गैमेटोजेनेसिस के दौरान हम पढ़ चुके हैं एक गैमेट में कितने क्रोमोसोम एंटर करेंगे एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम के साथ कितने एलील जाएंगे एक ही आलील जाएगा ना तो गैमेट कैपिटल आर इस प्रकार का हो सकता है या ये, ये स्पर्म इस प्रकार का हो सकता है ये एक की बात करें तो ये भी स्मॉल आर इस प्रकार का हो सकता है यहां पर ये कैपिटल आर और ये एग इसमें भी ये कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर लेकिन ओवरऑल आलील एक होने के कारण 100% गैमेट किस प्रकार के बने स्पर्म किस प्रकार के बने कैपिटल हाँ भले ही उसमें कैपिटल आर पे हंड्रेड परसेंट आइडेंटिकल नहीं है ब्लैक वाला कैपिटल आर मान लीजिए फादर से आया था उस मेल के फादर से रेड वाला कैपिटल उसके मदर से आया था लेकिन अब हम इतना तो टॉलरेट कर रहे हैं इट्स ओके okay कि दोनों आलिल किस प्रकार के हैं आइडेंटिकल है इसके कारण हम मान रहे हैं कि हंड्रेड परसेंट किस प्रकार के आलिल है इसके पास हंड्रेड परसेंट किस प्रकार की गैमेट है हंड्रेड परसेंट एक ही प्रकार के गैमेट कैपिटल इस एग के पास किस प्रकार के गैमेट है हंड्रेड परसेंट इनका फ्यूजन हो जाए तो कोई भी एक्सपर्म किसी भी एक एग के साथ फ्यूज हो जाए जी इधर से कैपिटल आर ब्लैक वाला आया और इधर से स्मॉल आर रेड वाला आया ऐसा हुआ ऐसा ही हो जरूरी नहीं है कैपिटल आर ब्लैक कैपिटल स्मॉल आर ब्लैक ऐसे भी हो सकता है फ्यूजन के दौरान रैंडम फ्यूजन है ना ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है ओके दी okay? लेकिन अब हमें कलर कॉम्बिनेशन लेकर चलना है तो हमने क्या किया तो के हिसाब से कैपिटल आर ब्लैक स्मॉल आर रेड ये कौन सा जनरेशन है तो आज के कंटेक्स में सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने में पहली चीज तो ये बताई जाती है मेंडेलियन द में 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 तो उसके साथ साथ एक एलील भी आएगा अब यह वन जनरेशन भी जब गैमेटोजेनेसिस करेगी गैमेटोजेनेसिस होती किस प्रकार से है ये आप गैमेट बनाने की सोच रहा है कौन सी प्रोसेस करेगा मियोसिस मियोसिस में भी क्या क्या स्टेप्स थी जीवन फेज 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 ओके जीवन फेज और फेज़ में क्या हो जाएगा फेज़ में क्या होगा इस क्रोमोजोम के ये दो सिस्टर कोपैंड बन जाएंगे ना

सेल अब कौन सी फेज आएगी मियोसिस आएगी मियोसिस वन मियोसिस वन के दौरान क्या सेग्रीगेट होते हैं अब कौन सी प्रोसेस मियोसिस वन थोड़ा सेल बायोलॉजी में जाकर सोच लेना मियोसिस वन के दौरान क्या सेपरेट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम या सिस्टोक्रोमैटिक मियोसिस वन के दौरान मियोसिस वन के दौरान सिस्टोक्रोमैटिड्स मैंने पढ़ा है ना कोई और पढ़ा रहा है आपको होमोलोगस क्रोमोसोम क्या सेग्रीगेट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स ठीक है होमोलोगस क्रोमोसोम मींस पेरेंट का एक क्रोमोसोम और मैटरनल एक क्रोमोसोम पैटर्न क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे ठीक है इसीलिए हैप्लोइड बन रहा था ना मेयोसिस 1 के बाद चीज हैप्लोइड बन जाती है हैप्लोइड मींस होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं रहेंगे आप दो सेल्स में चले जाएंगे ठीक है तो मियोसिस वन हुआ मियोसिस वन इस प्रकार से हुआ कि विदाउट क्रॉसिंग ओवर हुआ क्रॉसिंग ओवर हम कौन से जीन की बात कर रहे हैं इस कैपिटल आर या स्मॉल आर में किसी प्रकार का एक्सचेंज ही नहीं हुआ थ्राआउट द लेंथ कहीं ना कहीं पर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा लेकिन हम बात कर रहे हैं इन कैरेक्टर की कौन से आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर की यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ और क्रॉसिंग ओवर न होकर जब मियोसिस वन कंप्लीट हुआ वन कंप्लीट होने के बाद एक सेल आईसी बनी जिसमें दोनों के दोनों स्मॉल आर आर चले आए और एक सेल आईसी बनी जिसमें दोनों के दोनों कैपिटल आर चले आए क्या सेपरेट हुए होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हुए होमोलॉग्स गेट सेपरेटेड है. ठीक है सेपरेशन किस प्रकार का है विदाउट मेंडेलियन एलील्स ये आलिल कौन है यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल है या कैप्टल आर स्मार्मिल थे कैपिटल स्मॉल थे और ये सेग्रीगेट हुए ना मियोसिस के दौरान कब जब क्या हुआ क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ अब मियोसिस टू हो जाएगी मियोसिस टू के दौरान और दो सेल्स बनेंगे यहां से भी दो सेल्स बनेंगे अब क्या क्रोमोसोम आएंगे कौन से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं आप विच क्रोमोजम द गेट सेग्रीगेट

हंड्रेड परसेंट होगा एटलीस्ट एक तो इवेंट होगी क्रॉसिंग ओवर विदाउट नो सेपरेशन क्योंकि टेंशन क्रिएट ही नहीं हो सकता है ओके तो क्रॉसिंग ओवर लकीली यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर जीन में नहीं हो रहा था क्रॉसिंग ओवर का मतलब सेगमेंट एक्सचेंज करना दो होमोलॉग्स में यहां पर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ और कौन सा सेगमेंट एक्सचेंज हुआ यहां का जो कैपिटल स्मॉल आर था यहां चला आया और इधर का कैप्टलार जीन ये अलीर इधर चला गया इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे क्रॉसिंग ओवर और मेनली उस जीन में क्रॉसिंग ओवर हुई जिसके लिए जिसका कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं ये कैप्टलार और ये क्या रहेगा अब मियोसिस वन के बाद मेंडेलियन आलील सेग्रीगेट हुए यहाँ पर नहीं हुए क्यों नहीं हुए कौन सी प्रोसेस हुई प्लस में बार हुई अब मियोसिस टू हुई मियोसिस टू होने के बाद यहाँ पर स्मॉल आर और यहाँ पर कैपिटल आर अब सेग्रीगेट हो रहा है तो बेसिकली आज के कंटेक्स में जब कभी आप सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करते हो तो यहाँ से दो चीजें याद रखनी चाहिए बस एक आलिल्स कहाँ होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पर दूसरा बेसिक प्रिंसिपल

ठीक है अब कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए वापस थोड़ा सा पीछे जाए कि मेंडल ने ऐसा क्यों कहा कि ये हेट्रोजाइगस है ये अफवान इज हेट्रोजाइगस ऐसा क्यों कहा प्रूव करना पड़ेगा ना नहीं आप में मन में आए चलो आप लिख लिए कैपिटल टी स्मॉल टी टू डी ऐसा नहीं होगा और तो दूसरी बात जीनोटाइपिक रेशो रेशियो क्या आएगा यहाँ पर क्रॉस कर, कर देखें तो जीनोटाइपिक रेशो रेशियो क्या आ रहा था कैपिटल आर कैपिटल आर ये कितने आ रहे थे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कितने आ रहे थे टू बाय फोर चार में से दो है ना ये और स्मॉल आर स्मॉल आर कितने आ रहे थे वन बाय फोर इसका मतलब ये जो राउंड प्लांट है ये कैसे है ये डोमिनेंट हेटोस है और ये कैसे है डोमिनेंट होमोजाइगस और ये कैसे हैं रिसेसिव होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस कितने होते हैं 1/4 हेटरोजाइगस रिसेसिव सॉरी डोमिनेंट कितने होते हैं 2/4 और होमोजाइगस रिसेसिव कितने होते हैं 1/4 लेकिन ये कहां क्यों मेंडल ने 1/4 डोमिनेंट होमोजाइगस है डोमिनेंट हेटरोजाइगस 2/4 है और 1/4 होमोजाइगस रिसेसिव है ये किस बेसिस पर कह रहे थे तो आपको तो ये प्रूव करना पड़ेगा टू बाई फोर ऑफ कैसे करेंगे इसके दो तरीके इसको प्रूव करने के दो तरीके या तो ये जनरेशन कैरी आउट करो यू में जो भी ऑफ स्प्रिंग मिले ना उसकी एफ थ्री कैरी आउट करो हमने देखा मान लीजिए एक हजार सीड्स हमें मिले उसमें से हमने 250 सीड्स ऐसे देखे जिनको हमने एफ थ्री जनरेशन के लिए सेल्फिंग कराई नहीं 250 सीड्स लिए उसकी सेल्फिंग कराई तो हमने देखा हर सेल्फिंग के बाद वो कैपिटल आर कैपिटल आर मीन राउंड सीडेड प्लांट ही बना रहे कौन सा प्लांट बना रहे थे राउंड सीडेड प्लांट ढाई सीड्स हमने ऐसे लिए और हमने उनको ऑब्जर्व करके कर कर देखा उनकी सेल्फिंग करने के बाद 256 फिफ्टी सीट्स ऑल वेयर प्रोड्यूसिंग विंकल अब हर सेल्फिंग के बाद वो राउंड ही बनाते जा रहे हैं हर सेल्फिंग के बाद वो रिंकल ही बनाते जा रहे हैं इसका मतलब भी कौन है ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा था ये फ्री करने के बाद लेकिन फाइव हंड्रेड सीट्स ऐसे थे जिनकी सेल्फिंग हमने की बार बार हर बार दे 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 रहे round और दोनों प्रकार के कौन सकता सकता है दे सकता है तो यह observe करने मिल रहा था बेसिकली मेंडल को जनरेशन की fourth generation की F4 की, F4 की, F4 की F4 कर ली और इसके रिकॉर्ड भी मेंटेन करते गए कितने पांच सौ सिल्स हमने ऐसे देखे जो कि की ढाई सौ सिर्स ऐसे थे जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट थे ढाई सौ इस प्रकार के थे जो कि Okay? यह ये तो एक ये तरीका हुआ लेकिन यह बहुत टीडीएस है इसलिए उन्होंने एक स्पेशल क्रॉस डिजाइन किया जिसका नाम है बैक क्रॉस पता करना था कि कौन किस प्रकार के जीनोटाइप वाला है कौन है कौन है अब रिसेसिव को तो क्या पता करेंगे आप रिसेसिव फीनोटाइप को पता करना ही नहीं होता है हमें क्योंकि वह ऑलवेज डार प्लांट को थोड़ी पूछना है कि आपका जीनोटाइप क्या है रिंकल प्लांट को थोड़ी पूछना है आपको जीनोटाइप क्या है जिसको सिकल से में है, उसको थोड़ी पूछना में आपको किस प्रकार की? है आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना देख कर ही समझ में आ रहा है ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको ढूंढना किसका होता है ढूंढना किसका होता है रिसेसिव वाले का जीनोटाइप ढूंढना होता ही नहीं है आपको कभी पूरे जेनेटिक्स में याद रखना क्योंकि वो सीधा सीधा दिखाई देगा आपको या तो दिखाई देगा उसकी फिनोटाइप आप बता सकते रिसीव रिसी आपको ढूंढना होता है इसका टॉल का आपको ढूंढना होता है इसका राउंड का येलो का मीन जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं डोमिनेंट फिनोटाइप वाले जो ऑर्गेनिज्म ढूंढना है ठीक है क्योंकि आपको डाउट इसी पर है ये टॉल कैपिटल टी कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है ये राउंड कैपिटल आर कैपिटल आर वाला है या स्मॉल आर कैपिटल आर वाला है या तो रिंकल रहेगा तो आप सीधा सीधा समझ लेंगे तो उनके जीनो टाइप तो हमें पता करनी ही नहीं और मेंडल ने भी ट्राई नहीं किया क्रॉस डिजाइन किया जिसका नाम है बैक क्रॉस. बैक क्रॉस का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग का क्रॉस पेरेंट के साथ कराना अब हम मान अफवाना एफ वन पेरेंट का क्रॉस हमने कैपिटल आर कैपिटल आर पेरेंट के साथ कराया मीन ये कौन सा पेरेंट है डोमिनेंट पेरेंट इसके साथ कराया ये कौन सा पेरेंट था ये एफ पेरेंट बना आप ऑफस्प्रिंग है लेकिन अब पेरेंट बन है एफ वन ऑफस्प्रिंग का क्रॉस पेरेंट के साथ कराया किस प्रकार के पेरेंट के साथ डोमिनेंट पेरेंट के साथ अब जो भी रिजल्ट आएंगे क्या रिजल्ट आएंगे यहां से दो प्रकार के गैमेट बनेंगे ना कैपिटल आर स्मॉल आर ये कितने बनेंगे हाफ और ये कितने बनेंगे हाफ यहां से कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे एक ही प्रकार का जो हंड्रेड परसेंट रहेगा जिसको हम वन कहे इसका अल्टीमेटली इसके साथ मीटिंग हो गई फ्यूजन हो गया अल्टीमेटली कैपिटल कैप्टर स्मॉल आर बना सभी के सभी क्या आएंगे हंड्रेड परसेंट कैसे आएंगे राउंड आएंगे ये क्रॉस के रिजल्ट जो आ रहे हंड्रेड परसेंट डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग आ रही है हंड्रेड परसेंट आ लेकिन किस पेरेंट का किस कौन से ऑफस्प्रिंग का किस पेरेंट के साथ किया गया क्रॉस है ये या फन ऑफस्प्रिंग का या ऑफस्प्रिंग का डोमिनेंट पेरेंट के साथ जो क्रॉस किया जाता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट बैक क्रॉस और डोमिनेंट बैक क्रॉस का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है जेनेटिक्स में तो पढ़कर भी मतलब नहीं है तो कुछ बेसिक इम्पोर्टेंस होता ही नहीं है लेकिन हमें इंटरेस्ट होता है इस क्रॉस में EF1 का क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट के साथ करा लें तो इसको हम किस प्रकार का बैक क्रॉस कहेंगे रिसेसिव रिसेसिव बैक बैक क्रॉस 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 और को अल्टरनेटिवली टेस्ट कहा जाता है बिकॉज इट इज अ क्रॉस यूटिलाइज टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप टेस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है कौन से बैक क्रॉस को हम सॉरी टेस्ट क्रॉस कहते हैं

अभी ऑफ स्प्रिंग से क्या अलिल आएगा उस पर डिपेंड होगा कि नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग का फिर क्या रहेगा थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग वाले है और ये स्मॉल स्मॉल आ रहे पेरेंट क्या है स्मॉल और स्मॉल पेरेंट ने क्या बनाया गैमेट स्मॉल ऑफ ऑफस्प्रिंग भी क्या बनाएगी गैमेट दोनों स्मॉल और स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली ये रिंकल्ड ही बनाएंगे ना हंड्रेड परसेंट इसको चेक करना क्यों था करने की जरूरत ही नहीं सीधा सीधा दिख रहा था ये एफ टू में ये क्या था ये रिंकल्ड था या रिसेसिव था इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी लेकिन फिर भी हमने कराया करने के बाद हंड्रेड परसेंट क्या आएंगे रिंकल्ड ही आएंगे चेक करना किसको है बेसिकली? चेक करना है किसको राउंड को चेक करना है ना रिंकल्ड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है राउंड दो प्रकार के हो सकते हैं एफ2 जनरेशन में राउंड कितने प्रकार के हो सकते हैं दो प्रकार के कौन-कौन से या तो कैपिटल आर कैपिटल आर वाला राउंड हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर वाला राउंड हो सकता है हमें पता करना है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये कैपिटल आर कैपिटल आर वाला राउंड है क्या होगा करंट का क्या लिया हमने करंट तो 100% ड्रिंकल

जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे हंड्रेड परसेंट क्या आएंगे इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब कभी टेस्ट क्रॉस में जब कभी टेस्ट क्रॉस में हंड्रेड परसेंट डॉमिनेंट कैरेक्टर वाली फिनोटाइप आ जाती है तो समझ लेना कि जो ऑफस्प्रिंग थी वो क्या थी होमोजाइगस क्योंकि ये होने पर ही हंड्रेड परसेंट ऑफ राउंड आएंगे ना ये समझ में आ रहा है टेस्ट क्रॉस में जब कभी ऑफस्प्रिंग होमोजाइगस डोमिनेंट होती है और रिजल्ट 100% डोमिनेंट आ रहे हैं ऑब्वियसली ये आएंगे जब ऑफस्प्रिंग क्या होगी 100% डोमिनेंट होगी होमोजाइगस डोमिनेंट होगी या इसका उल्टा भी आप समझ सकते हो रिजल्ट 100% डोमिनेंट फिनोटाइप वाले आ रहे हैं इसका मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट ही ऑफस्प्रिंग होगी ठीक है और इसको इस प्रकार से मानकर देख लेना आप अब क्या होगा

तो इसे एक चीज समझ में आपको फिलहाल तो इतना याद रखना है ये परसेंट प्रोबेबिलिटी ये सभी चीजें पढ़ लेंगे हम ठीक है one, रेशो जब कभी आता है टेस्ट क्रॉस का, का तब जो ऑफ होती है वह उस कैरेक्टर के लिए क्या होती है, होती है. तो जेनेटिक्स समझना है तो इन कुछ प्रिंसिपल्स को आपको रटना पड़ेगा

उटपुट ऑफ टेस्ट क्रॉसाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग इज दंड्रेड परसेंट इज दिन ऑफ दुट ऑफ्रेड परसेंट आउटपुट डोमेंट फिनोटाइप वाला आ रहा है तो ऑफ स्प्रिंग होमोजाइगस डॉमिनेंट ठीक है यह दो स्टेटमेंट ठीक है तो दिस इज अबाउट टेस्ट क्रॉस व पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस

कर लाएंगे ओके तो हमने टॉल और डॉर्फ का क्रॉस किया टॉल और डॉर्फ का क्रॉस किया तो रिजल्ट इस प्रकार के मिल रहे हैं फिफ्टी परसेंट टॉल फिफ्टी परसेंट डॉर्फ दिस दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे इज ए पैरेंटल क्रॉस पेरेंटल क्रॉस रहता तो पेरेंटल तो क्रॉस है ये है। है? क्या ना ये टॉल कोई होगी, कोई होगा। और दूसरा प्रेडिक्शन क्या निकलेगा वॉट वुड बी दिनो टाइप ऑफ दिस टॉल कैपिटल टी मतलब इज इसका रेशनोटाइप हिंड्रोजाइगस ही होगा ये क्रॉस हमने किया टॉल एंड डॉर्क एंड हंड्रेड परसेंट टॉल प्लांट आया क्रॉस हाँ टेस्ट क्रॉस होगा तो ये हो सकता है टेस्ट क्रॉस भी हो लेकिन ये पैरेंटल क्रॉस भी हो सकता है लेकिन खुद एग्जामिनर कह रहा है कि इट इज अ टेस्ट क्रॉस उसको दिमाग नहीं लगाना है फिर

कैपिटल टी वाले देने चाहिए और कैपिटल टी वाले गैमेट हंड्रेड परसेंट तभी दे सकता है जब यह होमो हो ठीक है समझ तो में आ रहा है ये तो इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं तो इसको समझना है अच्छे से तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया फिर जेनेटिक्स में व्हाट वी डिस्कस मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस क्या है ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से किए गए ऑब्जर्वेशन से तीन प्रकार के कंक्लूजन निकले एक प्रीफॉर्मेशनिज्म थेरी काम नहीं करती है दोनों पैरेंट नेक्स्ट जनरेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर गैमेट्स के थ्रू कॉन्ट्रीब्यू होते हैं फैक्टर्स एक दूसरे के साथ आते हैं फर्टिलाइजेशन से और नेक्स्ट जनरेशन में जाते जाते इक्वल प्रोबेबिलिटी से सेग्रीगेट भी हो जाते हैं लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहा यूनिवर्सल लॉ कहा हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ओके लेकिन फिर भी मुझे भी पता है सभी चीजें आपको समझ में नहीं है

ओके okay? इससे कुछ लोगों को दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था बेसिकली क्या हो रहा है वो अपने अपने मानकर चल रहे थे कि सभी बायोलॉजिस्ट को एटलीस्ट स्टैटिस्टिक कुछ ना कुछ पता है कुछ प्रोबेबिलिटी भी आती होगी उनको लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था इसको कहना क्या है ओके okay? और थर्टी सालों तक तो कोई समझ नहीं पाया एक्चुअली इसको और लोग बिजी थे इसको क्यों दिमाग लगा दें बहुत कुछ है रिसर्च करने के लिए हम डार्विन को फॉलो करेंगे इसको क्यों दिमाग लगाए लेकिन नाइनटीन हंड्रेड आते आते मजबूरी हुई नहीं अब इसको समझना जरूरी है मेंडल जो कहे गए थे वो हंड्रेड परसेंट समझना जरूरी है क्योंकि डार्विन को आगे बढ़ाना है तो किसको लाना पड़ेगा आगे मेंडल को तब जाकर तीन साइंटिस्ट आगे आए इसका नाम था मार्क एंड कार्ल स और इन्होंने पहले तो लोगों को समझाया प्रोबेबिलिटी ऐसी ऐसी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर बात कर तो लेट्स अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑन